हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है मैं हूं लांदे। और इसका जो हिंदी वर्जन है कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी। साथ ही में फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पर इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके आपको देंगे। इसके अलावा इस फिल्म के स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में भी बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के भी ऊपर भी जानकारी मिलेगी। साथ में जुड़े फिल्म से जितने इफेक्ट है वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं ना, जो 2004 की हिंदी लैंग्वेज की मसाला फिल्म है जिसकी हदायतकारी फराहान ने की हुई है और हदायतकारी की पहली फिल्म है। और गौरी खान ने इसे रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले प्रोड्यूस किया है। हाँ, फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सिंह, सुनील शेट्टी, अमृता राय और जैन जैन खान आपको देखने को मिलेंगे। जबकि खीर, बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह मरकजी अदाकारी करते हुए आपको इस मूवी में नजर आएंगे। मेजर राव शर्मा को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है जिसमें वो एक कॉलेज के तलबा के तौर पर एक जर्नलिस्ट की बेटी को एक खतरनाक बदमाश फौजी से बचाने के लिए पेश करते हैं। ये फिल्म का थोड़ा सा आपको खुलासा दिया गया, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की तरक्की जो है, फिल्म की जो कामयाबी है वो 2001 के अनुमान में शुरू हुई थी। तहम प्रोड्यूसर के दौरान कई तखैरी का सामना करना पड़ा था। मैं हूं ना, भारत तनाजे को गैर जज्बाती नुक्ता नजर से देखने के लिए काबिले ज़िक्र के लिए फिल्म बंदी सेंट पॉल स्कूल और आसपास की रियासत मगरीबी बंगाल में हुई। ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन फिल्म है। उन्होंने ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी रेड चिली एंटरटेनमेंट के नीचे। इसको प्रोड्यूस किया गया था, इस फिल्म को इब्तदाई तौर पर 2003 में रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी ये मूवी और लोगों ने इसको मुस्बत जायजे लिए थे और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी तजारती कामयाबी फिल्म साबित हुई थी जिसने जो 84 करोड़ की कामयाबी की थी। जी गाइस, बहुत बड़ा बजट है, 84 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस अर्निंग की थी। इस तरह ये 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी, भारतीय फिल्म बन गई थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी। ऑल कंट्रीज मूवी ने हिट का टैग हासिल किया था जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा भी और शाहरुख खान की मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और उस मूवी को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया था, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा पॉपुलर मूवी बन गई थी। 25वीं फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसने को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था जिसमें पहला फिल्म बेहतरीन हदायतकारी का फरहान को दिया गया था, दूसरा बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया था और बेहतरीन माउन अदाकार रॉय, बेहतरीन जैद जो जैद खान है उनको भी अवार्ड दिया गया था, शिल्पा शेट्टी को भी दिया गया था, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया गया था। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से ही इस मूवी को हैंडल किया था और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। एक टुकड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, लिमिट का एक टुकड़ा पूरी फिल्म में बयान किया था। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो दोनों प्लॉट के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जी गाइस, अब हम कास्ट की तरफ चलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बतौर मेजर राव। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड
प्रोवाइड किया। अब बात कर लेते हैं दुराने आसर। जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की हिफाजत के लिए राम यानी कि शाहरुख खान को खुफिया भेजते हैं, उस मिशन पे भेजते हैं कि वो उनकी बेटी की और निगरानी रखे उनकी बेटी को, जो दुराने जगह सरकार कॉलेज में पढ़ती हैं। राम शुरू से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बख्शी ने उसे बताया कि लक्ष्मण भी वहाँ पढ़ता है तो राजी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम का सौतेला भाई होता है। तो उसके कहने पे वो अपने भाई को मिलने की आस में और ये मिशन कबूल कर लेता है। जनरल राम को वहाँ एक काले रंग के तौर पर जाने के लिए राजी करता है, क्योंकि अगर वो उस्ताद के तौर पर जाता है तो वो संजना के साथ काफी वक्त नहीं गुजार सकते थे, ठीक है ना, टीचर तो नहीं गुजार सकते थे। राम को कॉलेज की जिंदगी में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उम्र का लड़का था। उसका सामना संजना और उसकी मोहब्बत की दिलचस्प लड़की से होती है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते थे। कॉलेज का एक और तालेलम ये जानने के लिए कि लक्ष्मी कौन है, राम की कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि लकी हकीकत में लक्ष्मण है। कॉलेज का झंडा हासिल करने की दौड़ के दौरान लक्ष्मण को राम ने यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाया। वो दोनों और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उसकी माँ ममता के साथ चला जाता है। एक सीन के बाहर, एक सिनेमा के बाहर राम अपने हम जमात परसी को खान के कतलाना हमले से बचाता है, राम से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी असली शनाख्त रूनुमा को मिलती है, जो एक उस्ताद के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंचता है। राम अपना कयान के दौरान मंदरा और लक्ष्मी की मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से मोहब्बत हो जाती है, जबकि लक्ष्मण संजना से मोहब्बत करता है। चांदनी की तरफ से उसे तब्दीली लाने के बाद प्रपोज करने के लिए वो रजामंद करते हैं, अगवा करने का हुक्म देता है, लेकिन उसे राम ने बचाया। संजना से मुलाकात के बाद राम रोहन से दरख्वास्त करता है कि वो इस जोड़े को इसके वालिद के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने वालिद के साथ सुलह कर लेती है। उस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असल शनाख्त मालूम होती है। लक्ष्मण और उसकी माँ को राम की हकीकत का जब पता चलता है, शनाख्त होती है, और जब वो उसका सामना करता है तो राम ने इन्हें बताया कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे अपने खानदान के साथ सुलह करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो अभी तक उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम अपने घर और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद रघुवन ने यूनिवर्सिटी को प्रमोट बना दिया था। तमाम तलबा और उस्ताद को जानने के बाद कैप्टन खान और मेजर राम को की वापसी के साथ साथ प्रोजेक्ट में लाभ की मनुष्टि का मुतालबा किया जाता है। इतलाया मिलती ही है रफा फौरन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, पर अगवा की सूरत हासिल में मुकम्मल तौर पर दाखिला होने से पहले उसकी सामना मधुर से हो जाता है और माफी मांगता है कि जानते हुए कि वो क्या करने वाला है, और उसे बेटे के तौर पर कबूल कर दिया। खान के साथ राम अमारत में दाखिल होता है और बाद में खान ने उसे गोली मार दी। राम बच जाता है। अपने वफादारी के बारे में खान का जहन बदलता है और गार्डन को मारने के बाद आगे बढ़ता है। इस तरह तालेलम को आजाद कर लेता है। जी गाइस, अब आपको ये मूवी के बारे में तो पता चल गया। आप विलन का रोल देखते हैं। रावण ने खान को इस तरह धोखा दिया, दही के लिए खाली जगह पर गोली मार दी। राम और रघुवन के दरमियान लड़ाई होती है और राम रघुवन को बात के हैंड क्राफ्ट से हिफाजत पन हटा कर मार देता है। लक्ष्मण राम को एक हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले धमाके से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों की तरह गले मिल लग जाते हैं।
मिलना प्रोजेक्ट कामयाब रहा और तमाम कैदियों का फतेहार तबादला हुआ। राम और लक्ष्मण जाते हैं और अपने बाप की राख को एक साथ डुबोते हैं, जैसे कि मधु रोते हुए देखती है। आखिर में लक्ष्मण को राम के साथ ग्रेजुएट होने की इजाजत दे जाती है और पूरी यूनिवर्सिटी खुशी मनाती है। शाहरुख खान बतौर, अब हम बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में। शाहरुख खान बतौर मेजर राम का रोल अदा करते हैं और शर्मा शेखी का बेटा और मधु का सुतेला बेटा, लकी का सुतेला भाई और चांदनी की मोहब्बत है। सुनील शेट्टी बतौर सबका मैनेजर राव दत्त का रोल पेश करती है, जो रोल अदा करते हैं जो फौजी ऑफिसर है, दहशतगर्द बन जाता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप को होने से रोकना चाहता है। और शिल्पा शेट्टी बतौर चांदनी चोपड़ा राम की संजना और लक्ष्मी की केमिस्ट्री टीचर और राम की मोहब्बत का किरदार अदा करती है और दिलचस्पी अदा करती है। अमृता राय बतौर संजना संजू बख्शी जनरल अमृता जट की बेटी और लक्ष्मण की दिलचस्पी यानी उसकी मोहब्बत है। जैद खान बतौर लक्ष्मण लकी शर्मा का रोल अदा करते हैं, राम के जो सुतेले भाई हैं और संजना की संजना का प्यार है वो भी आरानी बतौर गोंगन गोहीर अग्रवाल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जाने जाते हैं। और शर्मा राम की सुतेली माँ और लकी की माँ कहलाती है का रोल अदा करती है। मिस्टर सोनाली कटन मिर्ली शाह बतौर कैप्टन खान रघुवन के सेक्रेटरी कमांडर हैं और कानाल कुमार बतौर मन के किरदार अदा करते हैं। कबीर बतौर जनरल अमृता बख्शी संजना के वालिद और राम के आला ऑफिसर, नसीरुद्दीन बतौर शाह बतौर रोज ट्रिस्टन शखर परदास और शर्मा राम और लकी के वालिद हैं का रोल अदा करते हैं। शाह बतौर सुनीति शाह बतौर प्रोफेसर मधु का रोल अदा करती है। राखी सभरवाल बतौर मिनी का रोल अदा करते हैं और परवेश अग्रवाल बतौर वीर और का अदा करते हैं। ये थी कि इन लोगों की इम्पोर्टेंट का कास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डेवलपमेंट की तरफ, यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, इसने कितनी पॉपुलरेशन हासिल की और क्या क्या इसके किरदार गुजारते हैं। फिल्म की नस्बत बतौर फराह खान और शाहरुख खान ने 2001 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट की गई थी लेकिन इसी साल के आखिर में शाहरुख खान शक्ति दे पावर 2002 के एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की फिल्म बंदी में तकलीफ का सामना करना पड़ा। बतौर एजाज उन्हें इलाज के लिए बरतानिया भेजा गया और बाद में फिल्म को रोक दिया गया और इस फिल्म को बाद में 2003 में शाहरुख खान के बरतानिया से वापस आने के बाद बहाल किया, इसकी शूटिंग को बहाल किया गया था। फराह खान इसका नाम डी ओ ऑफ साइड रखना चाहती थी, जब इसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो टाइटल चाहती हैं वो 1983 की हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। इसने फिल्म के लिए मैं हूं ना का टाइटल सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस वक्त शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, ये सोचकर कि टाइटल नाम मुकम्मल था, लेकिन बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। फिल्म के टाइटल गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर उसका दिमाग का जो रुख था वो बदल गया था। अब बात कर लेते हैं इसके कास्टिंग के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब 2003 में फिल्म को दोबारा जिंदा किया गया था लकी के किरदार के लिए, ऋतिक रोशन को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रही थी फराह खान, और सुनील खान पर गौर किया जा रहा था। नामालूम वजूहात की बिना पर
तीनों में से किसी ने भी फिल्म कबूल नहीं की। जैद खान को बाद में साइन किया गया था। अमीषा पटेल को संजू के किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन दाइल के मिसाल के बाद से उस किरदार को हटा दिया गया था। जैसा कि इस वक्त नई आने वाली आशा टाकिया ने भी किया, जब उनसे भी रब्ता किया गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमृता राय को इस किरदार के लिए साइन किया गया था। शाहरुख खान ने फराह खान से कहा कि वो कमल हसन से रजू करेंगे, तजवीज करते हुए कि हंस ने राम 2000 में अपने किरदार के लिए उन पर एहसान किया है। हसन ने स्क्रिप्ट को सुना लेकिन इस किरदार को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसमें उसे एक मालिक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इस किरदार को मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और इसको इंजॉय कीजिए, और आप इसको कहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं इसकी बॉलीवुड अर्निंग की तरफ। मैं हूँ ना जो ने बहुत हाई ग्रोसिंग की थी, वे वीरजारा को भी टक्कर दे गई थी। वीरजारा भी इस मूवी में पीछे रह गई थी। उन्होंने 480 मिलियन का इंडिया से कलेक्शन किया था, 19 मिलियन का इन्होंने ओवरऑल मार्केटिंग की थी, और सबसे बेस्ट मूवी रही थी ये जो, और पॉपुलर मूवी में दूसरे नंबर पे ये मूवी आती है। इसके जो गाने थे वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। उस मूवी में जो गाने थे वो 8 गाने डाले गए थे। पहला गाना है मैं हूँ ना, दूसरा गाना है तुमसे मिलकर देखा जो हाल दूसरे नंबर पे गाना आता है, और तीसरा गाना है तुम्हें जो मिला मैंने देखा, और चौथा गाना था गोरी गोरी, और पांचवा गाना था चले जैसे हवाएं, और छठा गाना था मैं हूं ना सैड वर्जन, और सातवां गाना था ये फिजाएं, और आठवां गाना था मैं हूं ना रीमिक्स गाना। ज़्यादातर गाने सोनू निगम और शहरिया गोशार और अल्ताफ सहबार हाशमी और ने गाए थे, और इसमें ये फिजाएं अलका याग्निक का था, केके और अलका याग्निक ने इसको सिंग किया था, और मैं हूँ ना रजीत बारोत ने गाया था। और इस जो गाने हैं इनकी लेंथ जो है 43.55 मिनट के ही आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे। गानों की जो रिलीज हुई थी वो 27 फरवरी 2004 को ही हुई थी, और रिकॉर्डिंग यश राज स्टूडियो में हुई थी मुंबई में। तो टी सीरीज वालों के, अगर आपको ये गाने सुनने हैं तो आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इन गानों को सुन सकते हैं। इन गानों को जो प्रोड्यूस किया था अनु मलिक ने, इस गानों को प्रोड्यूस किया था। तो बात कर लेते हैं इसके, इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो वो 89.7 करोड़ की अर्निंग इसने बॉक्स ऑफिस से की थी। तो गाइज, अगर आप लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट मूवी, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप इसको एरो इंटरनेशनल वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब कि इसको देख सकते हैं। मैं हूं ना जो 2004 की हिंदी लैंग्वेज की मसाला फिल्म है, जिसकी हदायतकारी फराह खान ने की हुई है और हदायतकारी की पहली फिल्म है, और गौरी खान ने इसे रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सिंह, सुनील शेट्टी, अमृता राय और जैन खान आपको देखने को मिलेंगे, जबकि खीर, बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह मरकजी अदाकारी करते हुए आपको इस मूवी में नजर आएंगे। मेजर राव शर्मा को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें वो एक कॉलेज के तौर पर एक जर्नलिस्ट की बेटी को एक खतरनाक बदमाश फौजी से बचाने के लिए पेश करते हैं। ये फिल्म का थोड़ा सा आपको खुलासा दिया गया, आप बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में।
फिल्म की जो फिल्म की तरक्की जो है, फिल्म की जो कामयाबी है वो 2001 के अनुमान में शुरू हुई थी। तहम प्रोड्यूसर के दौरान कई ताखैरी का सामना करना पड़ा था। मैं हूं ना भारत नाजे को गैर जज्बाती मुक्का नजर से देखने के लिए काबिले ज़िक्र के लिए फिल्म बंदी सेंट पॉल स्कूल और आसपास की रियासत मगरीबी बंगाल में हुई। ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन फिल्म है। उन्होंने ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी रेड चिली एंटरटेनमेंट के नीचे। इसको प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को इब्तदाई तौर पर 2003 में रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी ये मूवी, और लोगों ने इस को मुस्बत जायजे लिए थे और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी तजारती कामयाबी फिल्म साबित हुई थी, जिसने जो 84 करोड़ की कामयाबी की थी। जी गाइस, ये बहुत बड़ा बजट है, 84 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस अर्निंग की थी। इस तरह ये 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी, भारतीय फिल्म बन गई थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी। ऑल कंट्रीज मूवी ने हिट का टैग हासिल किया था, जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा ने वीर ज़ारा भी और शाहरुख खान की मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी, और उस मूवी को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया था, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा पॉपुलर मूवी बन गई थी। 25वीं फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसने को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें पहला फिल्म बेहतरीन अदाकारी का फरहान को दिया गया था, दूसरा बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया था, और बेहतरीन माउन अदाकार रॉय, बेहतरीन जैद खान है उनको भी अवार्ड दिया गया था, शिल्पा शेट्टी को भी दिया गया था, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया गया था। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से ही इस मूवी को हैंडल किया था और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। एक टुकड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, लिमिट का एक टुकड़ा पूरी फिल्म में बयान किया था। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो दोनों प्लॉट के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके कास्ट की बारे में बात कर लेते हैं। जी गाइस, अब हम कास्ट की तरफ चलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बतौर मेजर राव। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है। अब बात कर लेते हैं दुराने आसर। जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की हिफाजत के लिए राम यानी कि शाहरुख खान को खुफिया भेजते हैं, उस मिशन पे भेजते हैं कि वो उनकी बेटी की निगरानी रखे, उनकी बेटी को जो दुराने जाके सेंट पॉल कॉलेज में पढ़ती हैं। राम शुरू से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बख्शी ने उसे बताया कि लक्ष्मण भी वहाँ पढ़ता है तो राजी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम का सौतेला भाई होता है। तो उसके कहने पे वो अपने भाई को मिलने की आस में ये मिशन कबूल कर लेता है। जनरल राम को वहाँ एक काले रंग के तौर पर जाने के लिए राजी करता है, क्योंकि अगर वो उस्ताद के तौर पर जाता है तो वो संजना के साथ काफी वक्त नहीं गुजार सकते थे ना, टीचर तो नहीं गुजार सकते थे। राम को कॉलेज की जिंदगी में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उम्र का लड़का था। उसका सामना संजना और उसकी मोहब्बत की दिलचस्प लड़की से होती है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते थे। कॉलेज का एक और तालेलम ये जानने के लिए कि लक्ष्मी कौन है, राम की कॉलेज की कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि लकी हकीकत में लक्ष्मण है। कॉलेज का झंडा हासिल करने की दौड़ के दौरान लक्ष्मण को राम ने यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाया। वो दोनों और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं, और राम लक्ष्मण और उसकी माँ ममता के साथ चला जाता है। एक सिनेमा के बाहर राम अपने हम जमात परसी को खान के कातिलाना हमले से बचाता है, राम से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी असली शनाख्त
रोमनुमा को मिलती है जो एक उस्ताद के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंचता है। राम अपना कयान के दौरान मंद्रा और लक्ष्मी की मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से मोहब्बत हो जाती है, जबकि लक्ष्मण संजना से मोहब्बत करता है। चांदनी की तरफ से उसे तब्दीली लाने के बाद प्रपोज करने के लिए वो रजामंद करते हैं, अगवा करने का हुक्म देता है, लेकिन उसे राम ने बचाया। संजना से मुलाकात के बाद राम रोहन से दरख्वास्त करता है कि वो इस जोड़े को इसके वालिद के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे, जहां संजना अपने वालिद के साथ सुलह कर लेती है। और उस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असल शनाख्त मालूम होती है। लक्ष्मण और उसकी माँ को राम की हकीकत का जब पता चलता है, शनाख्त होती है, और जब वो उसका सामना करता है तो राम ने इन्हें बताया कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि अपने कि उसे अपने खानदान के साथ सुलह करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो अभी तक उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम अपने घर और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद रघुवन ने यूनिवर्सिटी को प्रोवोस्ट बना दिया था। तमाम तलबा और उस्ताद को जानने के बाद कैप्टन खान और मेजर राम की वापसी के साथ साथ प्रोजेक्ट में लाभ की मनुष्टि का मुतालबा किया जाता है। इतलाया मिलती ही है रफा फौरन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, पर अगवा की सूरत हासिल में मुकम्मल तौर पर दाखिला होने से पहले उसकी सामना मधुर से हो जाता है और माफ़ी मांगता है कि जानते हुए कि वो क्या करने वाला है, और उसे बेटे के तौर पर कबूल कर दिया। खान के साथ राम अमारत में दाखिल होता है और बाद में खान ने उसे गोली मार दी। राम बच जाता है। अपने वफादारी के बारे में खान का जहन बदलता है और गार्डन को मारने के बाद आगे बढ़ता है। इस तरह दालेलम को आजाद कर लेता है। जी गाइस, अब आपको ये मूवी के बारे में तो पता चल गया। आप विलन का रोल देखते हैं। रावण ने खान को इस तरह धोखा दिया, दही के लिए खाली जगह पर गोली मार दी। राम और रघुवन के दरमियान लड़ाई होती है और राम रघुवन को बात के हैंड पन हटा कर मार देता है। लक्ष्मण राम को एक हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले धमाके से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों की तरह गले मिल लग जाते हैं। मिलाप प्रोजेक्ट कामयाब रहा और तमाम कैदियों का फतेहार तबादला हुआ। राम और लक्ष्मण जाते हैं और अपने बाप की राख को एक साथ डुबोते हैं, जैसे कि मधु रोते हुए देखती है। आखिर में लक्ष्मण को राम के साथ ग्रेजुएट होने की इजाजत दे जाती है और पूरी यूनिवर्सिटी खुशी मनाती है। शाहरुख खान बतौर अब हम बात कर लेते हैं हम इस मूवी की कास्ट के बारे में। शाहरुख खान बतौर मेजर राम का रोल अदा करते हैं और शर्मा शेखी का बेटा और मधु का सुतेला बेटा, लकी का सुतेला भाई और चांदनी की मोहब्बत है। सुनील शेट्टी बतौर सबका मैनेजर राव दत्त का रोल पेश करती है, जो रोल अदा करते हैं जो फौजी ऑफिसर है, दहशतगर्द बन जाता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप को होने से रोकना चाहता है। और शिल्पा शेट्टी बतौर चांदनी चोपड़ा राम की संजना और लक्ष्मी की केमिस्ट्री टीचर और राम की मोहब्बत का किरदार अदा करती है और दिलचस्पी अदा करती है। अमृता राय बतौर संजना संजू बख्शी जनरल अमृता जट की बेटी और लक्ष्मण की दिलचस्पी यानी उसकी मोहब्बत है। जैद खान बतौर लक्ष्मण लकी शर्मा का रोल अदा करते हैं। राम के जो सुतेले भाई हैं और संजना का प्यार है वो भी आरानी बतौर गोंगन गोहीर अग्रवाल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जाने जाते हैं। और शर्मा राम की सुतेली माँ और लकी की माँ कहलाती है का रोल अदा करती है। मिस्टर सोनाली कटन मिर्ली शाह बतौर
कैप्टन खान रघुवन के सेकेंडरी कमांडर हैं और कारनाल कुमार बतौर मन के करदार अदा करते हैं। कबीर बतौर जनरल, अमृता बख्शी संजना के वालिद और राम के आला ऑफिसर, नसीरुद्दीन बतौर शाह बतौर रोज ट्रिस्टन, शखर परदास और शर्मा राम और लकी के वालिद हैं, का रोल अदा करते हैं। शाह बतौर सुनीति शाह बतौर प्रोफेसर मधु का रोल अदा करती है। राखी सभरवाल बतौर मिनी का रोल अदा करते हैं और परवेश अग्रवाल बतौर वीर और का अदा करते हैं। ये थी कि इन लोगों की इम्पोर्टेंट का कास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डेवलपमेंट की तरफ, यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, इसने कितनी पॉपुलरेशन हासिल की और क्या क्या इसके किरदार हो जाते हैं। फिल्म की नस्बत बतौर फराह खान और शाहरुख खान ने 2001 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट की गई थी, लेकिन इसी साल के आखिर में शाहरुख खान शक्ति दे पावर 2002 के एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की फिल्म बंदी में तकलीफ का सामना करना पड़ा। बतौर एजाज उन्हें इलाज के लिए बरतानिया भेजा गया और बाद में फिल्म को रोक दिया गया, और इस फिल्म को बाद में 2003 में शाहरुख खान के बरतानिया से वापस आने के बाद बहाल किया, इसकी शूटिंग को बहाल किया गया था। फराह खान इसका नाम डी ओ ऑफ साइड्स रखना चाहती थी, जब इसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो टाइटल चाहती हैं वो 1983 की हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। इसने फिल्म के लिए मैं हूं ना का टाइटल सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस वक्त शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, ये सोचकर कि टाइटल नाम मुकम्मल था, लेकिन बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। फिल्म के टाइटल गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर उसका दिमाग का जो रुख था वो बदल गया था। अब बात कर लेते हैं इसके कास्टिंग के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब 2003 में फिल्म को दोबारा जिंदा किया गया था, लकी के करदार के लिए ऋतिक रोशन को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रही थी फराह, और सुनील खान पर गौर किया जा रहा था। नामालूम वजूहात की बिना पर तीनों में से किसी ने भी फिल्म कबूल नहीं की। जैद खान को बाद में साइन किया गया था। अमीषा पटेल को संजू के करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन तारिक मिसाल के बाद से उस करदार को हटा दिया गया था। जैसा कि इस वक्त नई आने वाली आशा टाकिया ने भी किया, जब उनसे भी रابطہ किया गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमृता राय को इस करदार के लिए साइन किया गया था। शाहरुख खान ने फराह खान से कहा कि वो कमल हसन से रजू करेंगे, तजवीज़ करते हुए कि हंस ने राम 2000 में अपने किरदार के लिए उन पर एहसान किया है। हसन ने स्क्रिप्ट को सुना लेकिन इस किरदार को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसमें उसे एक मालिक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इस किरदार को मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और इसको एंजॉय कीजिए, और आप इसको कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं इसकी बॉलीवुड अर्निंग की तरफ। मैं हूँ ना का जो ने बहुत हाई ग्रोसिंग की थी, वे वीर ज़ारा को भी टक्कर दे गई थी। वीर ज़ारा भी इस मूवी में पीछे रह गई थी। उन्होंने 480 मिलियन का इंडिया से कलेक्शन किया था, 19 मिलियन का इन्होंने ओवरऑल मार्केटिंग की थी, और
सबसे बेस्ट मूवी रही थी ये जो, और पॉपुलर मूवियों में दूसरे नंबर पे ये मूवी आती है। इसके जो गाने थे वो भी बहुत ज्यादा हिट हुए थे, और इस मूवी में जो गाने थे वो 8 गाने डाले गए थे। पहला गाना है मैं हूं ना, दूसरा गाना है तुमसे मिलकर देखा जो हाल, तुमसे मिलकर देखा जो हाल दूसरे नंबर पे गाना आता है, और तीसरा गाना है तुम्हें जो मिला मैंने देखा, और चौथा गाना था गोरी गोरी, और पांचवा गाना था चले जैसे हवाएं, और छठा गाना था मैं हूं ना सैड वर्जन, और सातवां गाना था ये फिजाएं, और आठवां गाना था मैं हूं ना रीमिक्स गाना। ज्यादातर गाने सोनू निगम और शहरिया गोशार और अल्ताफ सहबार हाशमी और ने गाए थे, और इसमें ये फिजाएं अलका याग्निक का था, केके और अलका याग्निक ने इसको सिंग किया था, और मैं हूं ना रजीत बारोत ने गाया था, और इस जो गाने हैं इनकी लेंथ जो है 43.55 मिनट के आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे। गानों की जो रिलीज हुई थी वो 27 फरवरी 2004 को ही हुई थी, और रिकॉर्डिंग यश राज स्टूडियो में हुई थी मुंबई में। तो टी सीरीज वालों के, अगर आपको ये गाने सुनने हैं तो आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इन गानों को सुन सकते हैं। इन गानों को जो प्रोड्यूस किया था अनु मलिक ने, इस गानों को प्रोड्यूस किया था। तो बात कर लेते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो वो 89.7 करोड़ की अर्निंग इसने बॉक्स ऑफिस से की थी। तो गाइज अगर आप लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते हैं तो आप इसको जरूर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज अ बेस्ट मूवी, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप इसको एरो इंटरनेशनल वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब कि इसको देख सकते हैं, और सेटेलाइट चैनल पे आप इसको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। मैं हूं ना जो 2004 की हिंदी लैंग्वेज की मसाला फिल्म है, जिसकी हदायतकारी फराह ने की हुई है, और हदायतकारी की पहली फिल्म है, और गौरी खान ने इसे रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सिंह, सुनील शेट्टी, अमृता राय और जैन जैन खान आपको देखने को मिलेंगे, जबकि खीर, बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह मरकजी अदाकारी करते हुए आपको इस मूवी में नजर आएंगे। मेजर राव शर्मा को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें वो एक कॉलेज के तलबा के तौर पर एक जर्नलिस्ट की बेटी को एक खतरनाक बदमाश फौजी से बचाने के लिए पेश करते हैं। ये फिल्म का थोड़ा सा आपको खुलासा दिया गया, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की तरक्की जो है, फिल्म की जो कामयाबी है वो 2001 के अनुमान में शुरू हुई थी। तहम प्रोड्यूसर के दौरान कई ताखैरी का सामना करना पड़ा था। मैं हूं ना भारत तनाजे को गैर जज्बाती नुक्ता नजर से देखने के लिए काबिल-ए-ज़िक्र के लिए फिल्म बंदी सेंट पॉल स्कूल और आसपास की रियासत मगरबी बंगाल में हुई। ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन फिल्म है, उन्होंने ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी रेड चिली एंटरटेनमेंट के नीचे, इसको प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को इब्तदाई तौर पर 2003 में रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी ये मूवी, और लोगों ने इसको मुस्बत जायजे लिए थे, और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी तजारती कामयाबी फिल्म साबित हुई थी, जिसने जो 84 करोड़ की कामयाबी की थी। जी गाइस, बहुत बड़ा बजट है, 84 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस अर्निंग की थी। इस तरह ये 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी, भारतीय फिल्म बन गई थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी, ऑल कंट्रीज मूवी ने हिट का टैग हासिल किया था, जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा ने प्रोड्यूस
वीर ज़ारा भी और शाहरुख खान की मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी और उस मूवी को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया था, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा पॉपुलर मूवी बन गई थी। 25वीं फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसने को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें पहला फिल्म बेहतरीन हदायतकारी का फरहान को दिया गया था, दूसरा बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया था, और बेहतरीन माउन अदाकार रॉय, बेहतरीन जो जैद खान है उनको भी अवार्ड दिया गया था, शिल्पा शेट्टी को भी दिया गया था, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया गया था। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से ही इस मूवी को हैंडल किया था और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। एक टुकड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, लिमिट का एक टुकड़ा पूरी फिल्म में बयान किया था। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो दोनों प्लॉट के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके कास्ट की बारे में बात कर लेते हैं। जी गाइस, अब हम कास्ट की तरफ चलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बतौर मेजर राव। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया। अब बात कर लेते हैं दुरानी आसर। जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की हिफाजत के लिए राम यानी कि शाहरुख खान को खुफिया भेजते हैं, उस मिशन पे भेजते हैं कि वो उनकी बेटी की निगरानी रखे, उनकी बेटी को जो दुराने जगह सरकार कॉलेज में पढ़ती हैं। राम शुरू से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बख्शी ने उसे बताया कि लक्ष्मण भी वहाँ पढ़ता है तो राजी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम का सौतेला भाई होता है, तो उसके कहने पे वो अपने भाई को मिलने की आस में और ये मिशन कबूल कर लेता है। जनरल राम को वहाँ एक कार्यालय के तौर पर जाने के लिए राजी करता है, क्योंकि अगर वो उस्ताद के तौर पर जाता है तो वो संजना के साथ काफ़ी वक्त नहीं गुजार सकते थे, ठीक है ना, टीचर तो नहीं गुजार सकते थे। राम को कॉलेज की ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उम्र का लड़का था। उसका सामना संजना और उसकी मोहब्बत की दिलचस्प लकी से होती है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते थे। कॉलेज का एक और तालेलम ये जानने के लिए कि लक्ष्मी कौन है, राम की कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि लकी हकीकत में लक्ष्मण है। कॉलेज का झंडा हासिल करने की दौड़ के दौरान लक्ष्मण को राम ने यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाया, वो दोनों और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उसकी माँ ममता के साथ चला जाता है। एक सीन के बाहर, एक सिनेमा के बाहर राम अपने हम जमात परसी को खान के कतलाना हमले से बचाता है, राम से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी असली शनाख्त रूनुमा को मिलती है जो एक उस्ताद के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंचता है। राम अपना कयान के दौरान मंदरा और लक्ष्मी की मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से मोहब्बत हो जाती है, जबकि लक्ष्मण संजना से मोहब्बत करता है। चांदनी की तरफ से उसे तब्दीली लाने के बाद प्रपोज करने के लिए वो रजामंद करते हैं, आगुबा करने का हुक्म देता है, लेकिन उसे राम ने बचाया। संजना से मुलाकात के बाद राम रोहन से दरख्वास्त करता है कि वो इस जोड़े को इसके वालिद के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने वालिद के साथ सुलह कर लेती है। उस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असल शनाख्त मालूम होती है। लक्ष्मण और उसकी माँ को राम की हकीकत का जब पता चलता है, शनाख्त होती है, और जब वो उसका सामना करता है तो राम ने इन्हें बताया कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे अपने खानदान के साथ सुलह करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो अभी तक उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम अपने घर और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद रघुवन ने यूनिवर्सिटी को प्रमोट बना दिया था। तमाम तलबा और उस्ताद को जानने के बाद
कैप्टन खान और मेजर राम कुओं की वापसी के साथ साथ प्रोजेक्ट मिलाप की मनुस्ती का मुतालबा किया जाता है। इतलाया मिलती ही है रफा फौरन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, पर अगवा की सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर दाखिला होने से पहले उसकी सामना मधुर से हो जाता है और माफी मांगता है कि जानते हुए कि वो क्या करने वाला है और उसे बेटे के तौर पर कबूल कर दिया। खान के साथ राम अमारत में दाखिल होता है और बाद में खान ने उसे गोली मार दी। राम बच जाता है। अपने वफादारी के बारे में खान का जहन बदलता है और गार्डन को मारने के बाद आगे बढ़ता है। इस तरह तालेलम को आजाद कर लेता है। जी गाइस, अब आपको ये मूवी की बारे में तो पता चल गया। आप विलेन का रोल देखते हैं। रावण ने खान को इस तरह धोखा दिया, दही के लिए खाली जगह पर गोली मार दी। राम और रघुवन के दरमियान लड़ाई होती है और राम रघुवन को बाद के हैंड क्राफ्ट से हिफाजत रिबन हटा कर मार देता है। लक्ष्मण राम को एक हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले धमाके से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों की तरह गले मिल लग जाते हैं। मिलाप प्रोजेक्ट कामयाब रहा और तमाम कैदियों का फतेहार तबादला हुआ। राम और लक्ष्मण जाते हैं और अपने बाप की राख को एक साथ डुबोते हैं, जैसे कि मधु रोते हुए देखती है। आखिर में लक्ष्मण को राम के साथ ग्रेजुएट होने की इजाजत दी जाती है और पूरी यूनिवर्सिटी खुशी मनाती है। शाहरुख खान बतौर, अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। शाहरुख खान बतौर मेजर राम का रोल अदा करते हैं और शर्मा शेखी का बेटा और मधु का सुतेला बेटा, लकी का सुतेला भाई और चांदनी की मोहब्बत है। सुनील शेट्टी बतौर सबका मैनेजर राव दत्त का रोल पेश करती है, जो रोल अदा करते हैं जो फौजी ऑफिसर है। दहशतगर्द बन जाता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप को होने से रोकना चाहता है। और शिल्पा शेट्टी बतौर चांदनी चोपड़ा, राम की संजना और लक्ष्मी की केमिस्ट्री टीचर और राम की मोहब्बत का किरदार अदा करती है और दिलचस्पी अदा करती है। अमृता राय बतौर संजना, संजू बख्शी जनरल अमृता जट की बेटी और लक्ष्मण की दिलचस्पी यानी उसकी मोहब्बत है। जैद खान बतौर लक्ष्मण, लकी शर्मा का रोल अदा करते हैं। राम के जो सुतेले भाई हैं और संजना का प्यार है, वो भी आरानी बतौर गोंगन गोहीर अग्रवाल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जाने जाते हैं। और शर्मा राम की सुतेली माँ और लकी की माँ कहलाती है, का रोल अदा करती है। मिस्टर सोनाली कटन मुरली शाह बतौर कैप्टन खान रघुवन के सेक्रेटरी कमांडर हैं और कानाल कुमार बतौर मन के किरदार अदा करते हैं। कबीर बतौर जनरल अमृता बख्शी संजना के वालिद और राम के आला ऑफिसर। नसीरुद्दीन बतौर शाह बतौर रोज ट्रिस्टन शखर परदास और शर्मा राम और लकी के वालिद हैं, का रोल अदा करते हैं। शाह बतौर सुनीति शाह बतौर प्रोफेसर मधु का रोल अदा करती है। राखी सभरवाल बतौर मिनी का रोल अदा करते हैं और परवेश अग्रवाल बतौर वीर और का अदा करते हैं। ये थी कि इन लोगों की इम्पोर्टेंट का कास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डेवलपमेंट की तरफ, यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, इसने कितनी पॉपुलरेशन हासिल की और क्या इसके किरदार हो जाते हैं। फिल्म की नस्बत बतौर फराह खान और शाहरुख खान ने 2001 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट की गई थी लेकिन इसी साल के आखिर में शाहरुख खान शक्ति दे पावर 2002 के एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की फिल्म बंदी में तकलीफ का सामना करना पड़ा। बतौर एजाज उन्हें इलाज के लिए बरतानिया
हाँ भेजा गया और बाद में फिल्म को रोक दिया गया, और इस फिल्म को बाद में 2003 में शाहरुख खान के बटालियन से वापस आने के बाद बहाल किया, इसकी शूटिंग को बहाल किया गया था। फराह खान इसका नाम डी ओ ऑफ साइड्स रखना चाहती थी, जब इसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो टाइटल चाहती हैं वो 1983 की हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। इस नए फिल्म के लिए मैं हूं ना का टाइटल सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस वक्त शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, ये सोचकर कि टाइटल नाम मुकम्मल था, लेकिन बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। फिल्म के टाइटल गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर उसका दिमाग का जो रुख था वो बदल गया था। अब बात कर लेते हैं इसके कास्टिंग के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब 2003 में फिल्म को दोबारा जिंदा किया गया था, लकी के किरदार के लिए ऋतिक रोशन को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रही थी फराह अख्तर, और सुनील खान पर गौर किया जा रहा था। नामालूम वजूहात की बिना पर तीनों में से किसी ने भी फिल्म कबूल नहीं की। जैद खान को बाद में साइन किया गया था। अमीषा पटेल को संजू के किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन दाइल के मसाइल के बाद से उस किरदार को हटा दिया गया था। जैसा कि इस वक्त नई आने वाली आशा टाकिया ने भी किया, जब उनसे भी रابطہ किया गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमृता राय को इस किरदार के लिए साइन किया गया था। शाहरुख खान ने फराह खान से कहा कि वो कमल हसन से रजू करेंगे, तजवीज करते हुए कि हंस ने राम 2000 में अपने किरदार के लिए उन पर एहसान किया है। हसन ने स्क्रिप्ट को सुना लेकिन इस किरदार को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसमें उसे एक मालिक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इस किरदार को मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और इसको इंजॉय कीजिए, और आप इसको कहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं इसकी बॉलीवुड अर्निंग की तरफ। मैं हूँ ना जो ने बहुत हाई ग्रोसिंग की थी, वे वीरजारा को भी टक्कर दे गई थी। वीरजारा भी इस मूवी में पीछे रह गई थी। उन्होंने 480 मिलियन का इंडिया से कलेक्शन किया था, 19 मिलियन का इन्होंने ओवरऑल मार्केटिंग की थी, और सबसे बेस्ट मूवी रही थी ये जो, और पॉपुलर मूवी में दूसरे नंबर पे ये मूवी आती है। इसके जो गाने थे वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे, और इस मूवी में जो गाने थे वो 8 गाने डाले गए थे। पहला गाना है मैं हूँ ना, दूसरा गाना है तुमसे मिलकर देखा जो हाल दूसरे नंबर पे गाना आता है, और तीसरा गाना है तुम्हें जो मिला मैंने देखा, और चौथा गाना था गोरी गोरी, और पांचवा गाना था चले जैसे हवाएं, और छठा गाना था मैं हूं ना सैड वर्जन, और सातवां गाना था ये फिजाएं, और आठवां गाना था मैं हूं ना रीमिक्स गाना। ज़्यादातर गाने सोनू निगम और शहरिया गोशार और अल्ताफ सहबार हाशमी और ने गाए थे, और इसमें ये फिजाएं अलका याग्निक का था, केके और अलका याग्निक ने इसको सिंग किया था, और मैं हूँ ना रजीत बारोत ने गाया था। और इस जो गाने हैं इनकी लेंथ जो है 43.55 मिनट के ही आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे। गानों की जो रिलीज हुई थी वो 27 फरवरी 2004 को ही हुई थी, और रिकॉर्डिंग यश राज स्टूडियो में हुई थी मुंबई में। तो टी सीरीज वालों के, अगर आपको ये गाने सुनने हैं तो आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इन गानों को सुन सकते हैं। इन गानों को जो प्रोड्यूस किया था अनु मलिक ने, इस गानों को प्रोड्यूस किया था। तो बात कर लेते हैं इसके इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो वो 89.7 करोड़ की अर्निंग इसने बॉक्स ऑफिस से की थी।
तो गाइज अगर आप लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट मूवी। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप इसको एरो इंटरनेशनल वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब कि इसको देख सकते हैं, और सेटेलाइट चैनल पे आप इसको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। मैं हूं ना, जो 2004 की हिंदी लैंग्वेज की मसाला फिल्म है जिसकी हदायतकारी फराहान ने की हुई है और हदायतकारी की पहली फिल्म है, और गौरी खान ने इसे रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सिंह, सुनील शेट्टी, अमृता राय और जैन जैन खान आपको देखने को मिलेंगे, जबकि खीर, बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह मरकजी अदाकारी करते हुए आपको इस मूवी में नजर आएंगे। मेजर राव शर्मा को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है जिसमें वो एक कॉलेज के तौर पर एक जर्नलिस्ट की बेटी को एक खतरनाक बदमाश फौजी से बचाने के लिए पेश करते हैं। ये फिल्म का थोड़ा सा आपको खुलासा दिया गया, आप बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की तरक्की जो है, फिल्म की जो कामयाबी है वो 2001 के अनुमान में शुरू हुई थी। प्रोड्यूसर के दौरान कई ताखैरी का सामना करना पड़ा था। मैं हूं ना, भारत तनाजे को गैर जज्बाती नुक्ता नजर से देखने के लिए काबिलेजर के लिए फिल्म बंदी सेंट पॉल स्कूल और आसपास की रियासत मगरीबी बंगाल में हुई। ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन फिल्म है। उन्होंने ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी रेड चिली एंटरटेनमेंट के नीचे। इसको प्रोड्यूस किया गया था, इस फिल्म को इब्तदाई तौर पर 2003 में रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी ये मूवी, और लोगों ने इसको मुस्बत जायजे लिए थे और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी तजारती कामयाबी फिल्म साबित हुई थी जिसने जो 84 करोड़ की कामयाबी की थी। जी गाइस, ये बहुत बड़ा बजट है, 84 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस अर्निंग की थी। इस तरह ये 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी, भारतीय फिल्म बन गई थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी, ऑल कंट्रीज मूवी ने हिट का टैग हासिल किया था, जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा ने वीर ज़ारा भी और शाहरुख खान की मूवी बहुत ज्यादा हिट हो गई थी, और उस मूवी को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया था, यानी कि ये उससे भी ज्यादा पॉपुलर मूवी बन गई थी। 25वीं फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसने को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें पहला फिल्म बेहतरीन हदायतकारी का फरहान को दिया गया था, दूसरा बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया था, और बेहतरीन मावन अदाकार रॉय, बेहतरीन जैद खान है उनको भी अवार्ड दिया गया था, शिल्पा शेट्टी को भी दिया गया था, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया गया था। इसी तरह इन्होंने बहुत जबरदस्त कामयाबी से ही इस मूवी को हैंडल किया था और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। एक टुकड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, लिमिट का एक टुकड़ा पूरी फिल्म में बयान किया था। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो दोनों प्लॉट के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जी गाइस, अब हम कास्ट की तरफ चलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बतौर मेजर राव। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया, अब बात कर लेते हैं दुराने आसर। जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की हिफाजत के लिए राम यानी कि शाहरुख खान को खुफिया
बेचते हैं, उस मिशन पे भेजते हैं कि वो उनकी बेटी की और निगरानी रखे उनकी बेटी को, जो दुराने जंगे सेंट्रल कॉलेज में पढ़ती हैं। राम शुरू से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बख्शी ने उसे बताया कि लक्ष्मण भी वहाँ पढ़ता है तो राजी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम का सौतेला भाई होता है। तो उसके कहने पे वो अपने भाई को मिलने की आस में और ये मिशन कबूल कर लेता है। जनरल राम को वहाँ एक काले रंग के तौर पर जाने के लिए राजी करता है, क्योंकि अगर वो उस्ताद के तौर पर जाता है तो वो संजना के साथ काफ़ी वक्त नहीं गुजार सकते थे, ठीक है ना, टीचर तो नहीं गुजार सकता था। राम को कॉलेज की ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उम्र का लड़का था। उसका सामना संजना और उसकी मोहब्बत की दिलचस्प लड़की से होती है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते थे। कॉलेज का एक और तालेलम ये जानने के लिए कि लक्ष्मी कौन है, राम की कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि लकी हकीकत में लक्ष्मण है। कॉलेज का झंडा हासिल करने की दौड़ के दौरान लक्ष्मण को राम ने यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाया। वो दोनों और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उसकी माँ ममता के साथ चला जाता है। एक सिनेमा के बाहर राम अपने हम जमात परसी को खान के कातिलाना हमले से बचाता है, राम से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपने असली शनाख्त रूमनुमा को मिलती है, जो एक उस्ताद के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंचता है। राम अपना कयान के दौरान मंदरा और लक्ष्मी की मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से मोहब्बत हो जाती है, जबकि लक्ष्मण संजना से मोहब्बत करता है। चांदनी की तरफ से उसे तब्दीली लाने के बाद प्रपोज करने के लिए वो रजामंद करते हैं, आंखों बाह करने का हुक्म देता है, लेकिन उसे राम ने बचाया। संजना से मुलाकात के बाद राम रोहन से दरख्वास्त करता है कि वो इस जोड़े को इसके वालिद के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने वालिद के साथ सुलह कर लेती है। उस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असल शनाख्त मालूम होती है। लक्ष्मण और उसकी माँ को राम की हकीकत का जब पता चलता है, शनाख्त होती है, और जब वो उसका सामना करता है तो राम ने इन्हें बताया कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे अपने खानदान के साथ सुलह करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो अभी तक उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम अपने घर और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद रघुवन ने यूनिवर्सिटी को प्रोवोस्ट बना दिया था। तमाम तुलबा और उस्ताद को जानने के बाद कैप्टन खान और मेजर राम को की वापसी के साथ साथ प्रोजेक्ट में लाभ की मनुस्ती का मुतालबा किया जाता है। इतलाया मिलती ही है रफा फौरन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, पर अगवा की सूरत हासिल में मुकम्मल तौर पर दाखिला होने से पहले उसकी सामना मधुर से हो जाता है और माफ़ी मांगता है कि जानते हुए कि वो क्या करने वाला है, और उसे बेटे के तौर पर कबूल कर दिया। खान के साथ राम अमारत में दाखिल होता है और बाद में खान ने उसे गोली मार दी। राम बच जाता है। अपने वफादारी के बारे में खान का जहन बदलता है और गार्डन को मारने के बाद आगे बढ़ता है। इस तरह तालेलम को आजाद कर लेता है। जी गाइस, अब आपको ये मूवी के बारे में तो पता चल गया, आप विलन का रोल देखते हैं। रावण ने खान को इस तरह धोखा दिया, दही के लिए खाली जगह पर गोली मार दी। राम और रघुवन के दरमियान लड़ाई होती है और राम रघुवन को बात के हैंडक्राफ्ट से हिफाजत रिबन हटा कर मार देता है। लक्ष्मण राम को एक हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले धमाके से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों की तरह गले मिल लग जाते हैं। मिला प्रोजेक्ट कामयाब रहा और तमाम कैदियों का फतेहार तबादला हुआ। राम और लक्ष्मण जाते हैं और अपने बाप की राख को एक साथ डुबोते हैं, जैसे कि मधु रोते हुए देखती है।
आखिर में लक्ष्मण को राम के साथ ग्रेजुएट होने की इजाजत दे जाती है और पूरी यूनिवर्सिटी खुशी मनाती है। शाहरुख खान बतौर। अब हम बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कास्ट के बारे में। शाहरुख खान बतौर मेजर राम का रोल अदा करते हैं और शर्मा शेखी का बेटा और मधु का सुतेला बेटा, लकी का सुतेला भाई और चांदनी की मोहब्बत है। सुनील शेट्टी बतौर सबका मैनेजर राव दत्त का रोल पेश करती है, जो रोल अदा करते हैं जो फौजी ऑफिसर है, दहशतगर्द बन जाता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप को होने से रोकना चाहता है। और शिल्पा शेट्टी बतौर चांदनी चोपड़ा, राम की संजना और लक्ष्मी की केमिस्ट्री टीचर और राम की मोहब्बत का किरदार अदा करती है और दिलचस्पी से अदा करती है। अमृता राय बतौर संजना, संजू बख्शी और जनरल अमृता जट की बेटी और लक्ष्मण की दिलचस्पी यानी उसकी मोहब्बत है। जैद खान बतौर लक्ष्मण, लकी और शर्मा का रोल अदा करते हैं। राम के जो सौतेले भाई हैं और संजना का प्यार है वो भी रानी बतौर गोंगन गोहीर अग्रवाल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जाने जाते हैं। और शर्मा राम की सौतेली माँ और लकी की माँ कहलाती है का रोल अदा करती है। मिस्टर सोनाली कटन मिर्लिशा बतौर कैप्टन खान रघुवन के सेकेंडरी कमांडर हैं और कानाल कुमार बतौर मन के किरदार अदा करते हैं। कबीर बतौर जनरल अमृता बख्शी संजना के वालिद और राम के आला ऑफिसर। नसीरुद्दीन बतौर शाह बतौर रोज ट्रिस्टन शखर परदास और शर्मा राम और लकी के वालिद हैं का रोल अदा करते हैं। शाह बतौर सुनीति शाह बतौर प्रोफेसर मधु का रोल अदा करती है। राखी सभरवाल बतौर मिनी का रोल अदा करते हैं और परवेश सभरवाल बतौर वीर और का अदा करते हैं। ये थी कि इन लोगों की इम्पोर्टेंट का कास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डेवलपमेंट की तरफ, यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, इसने कितनी पॉपुलरेशन हासिल की और क्या क्या इसके किरदार गुजारते हैं। फिल्म की नस्बत बतौर फराह खान और शाहरुख खान ने 2001 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट की गई थी लेकिन इसी साल के आखिर में शाहरुख खान शक्ति दे पावर 2002 के एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की फिल्म बंदी में तकलीफ का सामना करना पड़ा। बतौर एजाज उन्हें इलाज के लिए बरतानिया भेजा गया और बाद में फिल्म को रोक दिया गया और इस फिल्म को बाद में 2003 में शाहरुख खान के बरतानिया से वापस आने के बाद बहाल किया, इसकी शूटिंग को बहाल किया गया था। फराह खान इसका नाम भी ऑफ साइड्स रखना चाहती थी, जब इसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो टाइटल चाहती हैं वो 1983 की हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। इसने फिल्म के लिए मैं हूं ना का टाइटल सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस वक्त शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, ये सोचकर कि टाइटल नाम मुकम्मल था, लेकिन बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। फिल्म के टाइटल गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर उसका दिमाग का जो रुख था वो बदल गया था। अब बात कर लेते हैं इसके कास्टिंग के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब 2003 में फिल्म को दोबारा जिंदा किया गया था लकी के किरदार के लिए, ऋतिक रोशन को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रही थी फराख्तर, और सुनील खान पर गौर किया जा रहा था। नामालूम वजूहात की बिना पर तीनों में से किसी ने भी फिल्म कबूल नहीं की। जैद खान को बाद में साइन किया गया था। अमीषा पटेल को संजू के किरदार की पेशकश की गई थी लेकिन तारीख के मसाइल के बाद से उस किरदार को
हटा दिया गया था, जैसे कि इस वक्त नहीं आने वाली आशा टाकिया ने भी किया। जब उनसे भी रापता किया गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमृता राय को इस किरदार के लिए साइन किया गया था। शाहरुख खान ने फराह खान से कहा कि वो कमल हसन से रजू करेंगे, तजवीज़ करते हुए कि हंस ने राम 2000 में अपने किरदार के लिए उन पर एहसान किया है। हसन ने स्क्रिप्ट को सुना लेकिन इस किरदार को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसमें उसे एक मालिक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इस किरदार को मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और इसको एंजॉय कीजिए, और आप इसको कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं इसकी बॉलीवुड अर्निंग की तरफ। मैं हूँ ना जो ने बहुत हाई ग्रोसिंग की थी, वे वीरज़ारा को भी टक्कर दे गई थी। वीरज़ारा भी इस मूवी में पीछे रह गई थी, ने 480 मिलियन का इंडिया से कलेक्शन किया था, 19 मिलियन का इन्होंने ओवरऑल मार्केटिंग की थी, और सबसे बेस्ट मूवी रही थी ये जो। और पॉपुलर मूवियों में दूसरे नंबर पे ये मूवी आती है। इसके जो गाने थे वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे, और इस मूवी में जो गाने थे वो 8 गाने डाले गए थे। पहला गाना है मैं हूँ ना, दूसरा गाना है तुमसे मिलकर देखा जो हाल, तुमसे मिलकर देखा जो हाल दूसरे नंबर पे गाना आता है, और तीसरा गाना है तुम्हें जो मिला मैंने देखा, और चौथा गाना था गोरी गोरी, और पांचवा गाना था चले जैसे हवाएं, और छठा गाना था मैं हूं ना सैड वर्जन, और सातवां गाना था ये फिजाएं, और आठवां गाना था मैं हूं ना रीमिक्स गाना। ज्यादातर गाने सोनू निगम और शहरिया गोशार और अल्ताफ सहबार हाशमी और ने गाए थे, और इसमें ये फिजाएं अलका याग्निक का था, केके और अलका याग्निक ने इसको सिंग किया था, और मैं हूँ ना रजीत बारोत ने गाया था। और इस जो गाने हैं इनकी लेंथ जो है 43.55 मिनट के ही आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे। गानों की जो रिलीज हुई थी वो 27 फरवरी 2004 को ही हुई थी, और रिकॉर्डिंग यश राज स्टूडियो में हुई थी मुंबई में। तो टी सीरीज वालों के, अगर आपको ये गाने सुनने हैं तो आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इन गानों को सुन सकते हैं। इन गानों को जो प्रोड्यूस किया था अनु मलिक ने, इस गानों को प्रोड्यूस किया था। तो बात कर लेते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो वो 89.7 करोड़ की अर्निंग इसने बॉक्स ऑफिस से की थी। तो गाइज, अगर आप लोग इस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट मूवी, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप इसको एरो इंटरनेशनल वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब कि इसको देख सकते हैं, और सेटेलाइट चैनल पे आप इसको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। मैं हूं ना जो 2004 की हिंदी लैंग्वेज की मसाला फिल्म है, जिसकी हदायतकारी फराह खान ने की हुई है, और हदायतकारी की पहली फिल्म है, और गौरी खान ने इसे रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सिंह, सुनील शेट्टी, अमृता राय और जैन जैन खान आपको देखने को मिलेंगे, जबकि खीर, बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह मरकजी अदाकारी करते हुए आपको इस मूवी में नजर आएंगे। मेजर राव शर्मा को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें वो एक कॉलेज के तौर पर एक जर्नलिस्ट की बेटी को एक खतरनाक बदमाश फौजी से बचाने के लिए पेश करते हैं। ये फिल्म का थोड़ा सा आपको खुलासा दिया गया, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की जो फिल्म की तरक्की जो है, फिल्म की जो
कामयाबी है वो 2001 के अरमान में शुरू हुई थी। तहम प्रोड्यूसर के दौरान कई तखैरी का सामना करना पड़ा था। मैं होना भारत नाजे को गैर जज्बाती नुक्ता नजर से देखने के लिए काबिले ज़िक्र के लिए फिल्म बंदी सेंट पॉल स्कूल और आसपास की रियासत मगरबी बंगाल में हुई। ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन फिल्म है। उन्होंने ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी रेड चिली एंटरटेनमेंट के नीचे। इसको प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को इब्तदाई तौर पर 2003 में रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी ये मूवी, और लोगों ने इसको मुस्बत जायजे लिए थे और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी तजारती कामयाबी फिल्म साबित हुई थी, जिसने जो 84 करोड़ की कामयाबी की थी। जी गाइस, ये बहुत बड़ा बजट है, 84 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस अर्निंग की थी। इस तरह ये 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी, भारतीय फिल्म बन गई थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी। ऑल कंट्रीज मूवी ने हिट का टैग हासिल किया था, जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा भी और शाहरुख खान की मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी, और उस मूवी को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया था। यानी कि ये उससे भी ज़्यादा पॉपुलर मूवी बन गई थी। 25वीं फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसने को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें पहला फिल्म बेहतरीन अदाकारी का फरहान को दिया गया था, दूसरा बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया था, और बेहतरीन मावन अदाकार रॉय, बेहतरीन जैद खान है उनको भी अवार्ड दिया गया था, शिल्पा शेट्टी को भी दिया गया था, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया गया था। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से ही इस मूवी को हैंडल किया था और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। एक टुकड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, लिमिट का एक टुकड़ा पूरी फिल्म में बयान किया था। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो दोनों प्लॉट के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जी गाइस, अब हम कास्ट की तरफ चलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बतौर मेजर राव। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया। अब बात कर लेते हैं दुरान आसर। जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की हिफाजत के लिए राम यानी कि शाहरुख खान को खुफिया भेजते हैं, उस मिशन पे भेजते हैं कि वो उनकी बेटी की निगरानी रखे, उनकी बेटी को जो दुराने के सेंट पॉल कॉलेज में पढ़ती हैं। राम शुरू से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बख्शी ने उसे बताया कि लक्ष्मण भी वहाँ पढ़ता है तो राजी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम का सौतेला भाई होता है। तो उसके कहने पे वो अपने भाई को मिलने की आस में ये मिशन कबूल कर लेता है। जनरल राम को वहाँ एक कार्यालय के तौर पर जाने के लिए राजी करता है, क्योंकि अगर वो उस्ताद के तौर पर जाता है तो वो संजना के साथ काफ़ी वक्त नहीं गुजार सकते थे, ठीक है ना, टीचर तो नहीं गुजार सकते थे। राम को कॉलेज की ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उम्र का लड़का था। उसका सामना संजना और उसकी मोहब्बत की दिलचस्प लकी से होती है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते थे। कॉलेज का एक और तालेलम ये जानने के लिए कि लक्ष्मी कौन है, राम की कॉलेज की कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि लकी हकीकत में लक्ष्मण है। कॉलेज का झंडा हासिल करने की दौड़ के दौरान लक्ष्मण को राम ने यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाया। वो दोनों और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं, और राम लक्ष्मण और उसकी माँ ममता के साथ चला जाता है। एक सिनेमा के बाहर राम अपने हम जमात परसी को खान के कतलाना हमले से बचाता है, राम से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी असली शनाख्त रूमनुमा को मिलती है, जो एक उस्ताद के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंचता है।
राम उसे राम अपना ज्ञान के दौरान मंदरा और लक्ष्मी की मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से मोहब्बत हो जाती है, जबकि लक्ष्मण लक्ष्मण संजना से मोहब्बत करता है। चांदनी की तरफ से उसे तब्दीली लाने के बाद प्रपोज करने के लिए वो रजामंद करते हैं, आंखों बाहर करने का हुक्म देता है, लेकिन उसे राम ने बचाया। सजना से मुलाकात के बाद राम रोहन से दरख्वास्त करता है कि वो इस जोड़े को इसके वालिद के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे, जहाँ सजना अपने वालिद के साथ सुलह कर लेती है। उस रात के बाद सजना और चांदनी को राम की असल शनाख्त मालूम होती है। लक्ष्मण और उसकी माँ को राम की हकीकत का जब पता चलता है, शनाख्त होती है, और जब वो उसका सामना करता है तो राम ने इन्हें बताया कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे अपने खानदान के साथ सुलह करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो अभी तक उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम अपने घर और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद रघुवन ने यूनिवर्सिटी को प्रमोट बना दिया था। तमाम तलबा और उस्ताद को जानने के बाद कैप्टन खान और मेजर राम की वापसी के साथ साथ प्रोजेक्ट में लाभ की मनुस्ती का मुतालबा किया जाता है। इतलाया मिलती ही है रफा फौरन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, पर अगवा की सूरत हासिल में मुकम्मल तौर पर दाखिला होने से पहले उसकी सामना मधुर से हो जाता है और माफी मांगता है कि जानते हुए कि वो क्या करने वाला है, और उसे बेटे के तौर पर कबूल कर दिया। खान के साथ राम अमारत में दाखिल होता है और बाद में खान ने उसे गोली मार दी। राम बच जाता है। अपने वफादारी के बारे में खान का जहन बदलता है और गार्डन को मारने के बाद आगे बढ़ता है। इस तरह दारालम को आजाद कर लेता है। जी गाइस, अब आपको ये मूवी के बारे में तो पता चल गया। आप विलेन का रोल देखते हैं। रावण ने खान को इस तरह धोखा दिया, दही के लिए खाली जगह पर गोली मार दी। राम और रघुवन के दरमियान लड़ाई होती है और राम रघुवन को बाद के हैंड क्राफ्ट से हिफाजत रिबन हटा कर मार देता है। लक्ष्मण राम को एक हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले धमाके से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों की तरह गले मिल लग जाते हैं। मिलाप प्रोजेक्ट कामयाब रहा और तमाम कैदियों का फतेहार तबादला हुआ। राम और लक्ष्मण जाते हैं और अपने बाप की राख को एक साथ डुबोते हैं, जैसे कि मधु रोते हुए देखती है। आखिर में लक्ष्मण को राम के साथ ग्रेजुएट होने की इजाजत दी जाती है और पूरी यूनिवर्सिटी खुशी मनाती है। शाहरुख खान बतौर, अब हम बात कर लेते हैं हम इस मूवी की कास्ट के बारे में। शाहरुख खान बतौर मेजर राम का रोल अदा करते हैं और शर्मा शेखी का बेटा और मधु का सुतेला बेटा, लकी का सुतेला भाई और चांदनी की मोहब्बत है। सुनील शेट्टी बतौर सबका मैनेजर राव दत्त का रोल पेश करती है, जो रोल अदा करते हैं जो फौजी ऑफिसर है, दहशतगर्द बन जाता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप को होने से रोकना चाहता है। और शिल्पा शेट्टी बतौर चांदनी चोपड़ा राम की संजना और लक्ष्मी की केमिस्ट्री टीचर और राम की मोहब्बत का किरदार अदा करती है और दिलचस्पी अदा करती है। अमृता राय बतौर संजना संजू बख्शी जनरल अमृता जट की बेटी और लक्ष्मण की दिलचस्पी यानी उसकी मोहब्बत है। जैद खान बतौर लक्ष्मण लकी शर्मा का रोल अदा करते हैं। राम के जो सुतेले भाई हैं और संजना का प्यार है, वो भी आरानी बतौर गोंगन गोहीर अग्रवाल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जाने जाते हैं। और शर्मा राम की सुतेली माँ और लकी की माँ कहलाती है का रोल अदा करती है। मिस्टर सोनाली कटन मिर्ली शाह बतौर कैप्टन खान रघुवन के सेकेंडरी कमांडर हैं और कानाल कुमार बतौर
मन के किरदार अदा करते हैं कबीर बतौर जनरल, अमृता बख्शी संजना के वालिद और राम के आला ऑफिसर, नसीरुद्दीन बतौर शाह बतौर रोज ट्रिस्टन शखर परदास और शर्मा राम और लकी के वालिद हैं का रोल अदा करते हैं। शाह बतौर सुनील सुनीति शाह बतौर प्रोफेसर मधु का रोल अदा करती है। राखी सागरवाल बतौर मिनी का रोल अदा करते हैं और परवेश अग्रवाल बतौर वीर और का अदा करते हैं। ये थी कि इन लोगों की इम्पोर्टेंट का कास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डेवलपमेंट की तरफ, यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, इसने कितनी पॉपुलरेशन हासिल की और क्या इसके किरदार गुजारते हैं। फिल्म की माँ नस्बत बतौर फराह खान और शाहरुख खान ने 2001 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट की गई थी लेकिन इसी साल के आखिर में शाहरुख खान शक्ति दे पावर 2002 के एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की फिल्म बंदी में तकलीफ का सामना करना पड़ा। बतौर एजाज उन्हें इलाज के लिए बरतानिया भेजा गया और बाद में फिल्म को रोक दिया गया और इस फिल्म को बाद में 2003 में शाहरुख खान के बरतानिया से वापस आने के बाद बहाल किया, इसकी शूटिंग को बहाल किया गया था। फराह खान इसका नाम भी ऑफ साइड्स रखना चाहती थी, जब इसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो टाइटल चाहती हैं वो 1983 की हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। इसने फिल्म के लिए मैं हूं ना का टाइटल सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस वक्त शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, ये सोचकर कि टाइटल नाम मुकम्मल था, लेकिन बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। फिल्म के टाइटल गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर उसका दिमाग का जो रुख था वो बदल गया था। अब बात कर लेते हैं इसके कास्टिंग के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब 2003 में फिल्म को दोबारा जिंदा किया गया था, लकी के किरदार के लिए ऋतिक रोशन को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रही थी फराह, और सुनील खान पर गौर किया जा रहा था। नामालूम वजूहात की बिना पर तीनों में से किसी ने भी फिल्म कबूल नहीं की। जैद खान को बाद में साइन किया गया था। अमीषा पटेल को संजू के किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन तारीख के मिसाल के बाद से उस किरदार को हटा दिया गया था। जैसा कि इस वक्त नई आने वाली आशा टाकिया ने भी किया, जब उनसे भी रابطہ किया गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमृता राय को इस किरदार के लिए साइन किया गया था। शाहरुख खान ने फराह खान से कहा कि वो कमल हसन से रजू करेंगे, तजवीज करते हुए कि हंस ने राम 2000 में अपने किरदार के लिए उन पर एहसान किया है। हसन ने स्क्रिप्ट को सुना लेकिन इस किरदार को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसमें उसे एक मालिक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इस किरदार को मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और इसको एंजॉय कीजिए, और आप इसको कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं इसकी बॉलीवुड अर्निंग की तरफ। मैं हूँ ना का जो ने बहुत हाई ग्रोसिंग की थी, वे वीर ज़ारा को भी टक्कर दे गई थी। वीर ज़ारा भी इस मूवी में पीछे रह गई थी। उन्होंने 480 मिलियन का इंडिया से कलेक्शन किया था, 19 मिलियन का इन्होंने ओवरऑल मार्केटिंग की थी और सबसे बेस्ट मूवी रही थी ये जो, और पॉपुलर मूवी में दूसरे नंबर पे ये मूवी आती है। इसके जो गाने थे वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। उस मूवी में जो गाने थे वो 8 गाने डाले गए थे। पहला गाना है मैं हूँ ना, दूसरा गाना है तुमसे मिलकर देखा जो हाल, तुमसे मिलकर
देखा जो हाल दूसरे नंबर पे गाना आता है, और तीसरा गाना है तुम्हें जो मिला मैंने देखा, और चौथा गाना था गोरी गोरी, और पांचवा गाना था चले जैसे हवाएं, और छठा गाना था मैं हूं ना सैड वर्जन, और सातवां गाना था ये फिजाएं, और आठवां गाना था मैं हूं ना रीमिक्स गाना। ज़्यादातर गाने सोनू निगम और शहरिया गोशार और अल्ताफ सहबार हाशमी और ने गाए थे, और इसमें ये फिजाएं अलका याग्निक का था, केके और अलका याग्निक ने इसको सिंग किया था, और मैं हूँ ना रजीत बारोत ने गाया था, और इस जो गाने हैं इनकी लेंथ जो है 43.55 मिनट के ही आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे। गानों की जो रिलीज हुई थी वो 27 फरवरी 2004 को ही हुई थी, और रिकॉर्डिंग यश राज स्टूडियो में हुई थी मुंबई में। तो टी सीरीज वालों के अगर आपको ये गाने सुनने हैं तो आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इन गानों को सुन सकते हैं। इन गानों को जो प्रोड्यूस किया था अनु मलिक ने, इस गानों को प्रोड्यूस किया था। तो बात कर लेते हैं इसके इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो वो 89.7 करोड़ की अर्निंग इसने बॉक्स ऑफिस से की थी। तो गाइज अगर आप लोग इस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट मूवी, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप इसको एरो इंटरनेशनल वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब कि इसको देख सकते हैं, और सेटेलाइट चैनल पर आप इसको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। मैं हूं ना जो 2004 की हिंदी लैंग्वेज की मसाला फिल्म है, जिसकी हदायतकारी फराहान ने की हुई है, और हदायतकारी की पहली फिल्म है, और गोरे खान ने इसे रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सिंह, सुनील शेट्टी, अमृता राय और जैन खान आपको देखने को मिलेंगे, जबकि खीर, बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह मरकजी अदाकारी करते हुए आपको इस मूवी में नजर आएंगे। मेजर राव शर्मा को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें वो एक कॉलेज के तुलबा के तौर पर एक जर्नलिस्ट की बेटी को एक खतरनाक बदमाश फौजी से बचाने के लिए पेश करते हैं। ये फिल्म का थोड़ा सा आपको खुलासा दिया गया, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की कामयाबी है वो 2001 के अनुमान में शुरू हुई थी। तहम प्रोड्यूसर के दौरान कई ताखैरी का सामना करना पड़ा था। मैं हूं ना भारत नाजे को गैर जज्बाती नुक्ता नजर से देखने के लिए काबिलेजर के लिए फिल्म बंदी सेंट पॉल स्कूल और आसपास की रियासत मगरबी बंगाल में हुई। ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन फिल्म है, उन्होंने ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी रेड चिली एंटरटेनमेंट के नीचे, इसको प्रोड्यूस किया गया था इस फिल्म को। इब्तदाई तौर पर 2003 में रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी ये मूवी, और लोगों ने इसको मुस्बत जायजे लिए थे, और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी तजारती कामयाबी फिल्म साबित हुई थी, जिसने जो 84 करोड़ की कामयाबी की थी। जी गाइस, बहुत बड़ा बजट है, 84 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस अर्निंग की थी। इस तरह ये 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी, भारतीय फिल्म बन गई थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी, ऑल कंट्रीज मूवी ने हिट का टैग हासिल किया था, जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा ने
वीर ज़ारा भी और शाहरुख खान की मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी और उस मूवी को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया था, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा पॉपुलर मूवी बन गई थी। 25वीं फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसने को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें पहला फिल्म बेहतरीन अदाकारी का फरहान को दिया गया था, दूसरा बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया था, और बेहतरीन माउन अदाकार रॉय, बेहतरीन जैद जो जैद खान है उनको भी अवार्ड दिया गया था, शिल्पा शेट्टी को भी दिया गया था, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया गया था। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से ही इस मूवी को हैंडल किया था और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। एक टुकड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, लिमिट का एक टुकड़ा पूरी फिल्म में बयान किया था। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो दोनों प्लॉट के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जी गाइस, अब हम कास्ट की तरफ चलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बतौर मेजर राव। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया। अब बात कर लेते हैं दुराने आसर। जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की हिफाजत के लिए राम यानी कि शाहरुख खान को खुफिया भेजते हैं, उस मिशन पे भेजते हैं कि वो उनकी बेटी की निगरानी रखे, उनकी बेटी को जो दुराने जाके सरकार कॉलेज में पढ़ती हैं। राम शुरू से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बख्शी ने उसे बताया कि लक्ष्मण भी वहाँ पढ़ता है तो राजी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम का सौतेला भाई होता है। तो उसके कहने पे वो अपने भाई को मिलने की आस में ये मिशन कबूल कर लेता है। जनरल राम को वहाँ एक कार्यालय के तौर पर जाने के लिए राजी करता है, क्योंकि अगर वो उस्ताद के तौर पर जाता है तो वो संजना के साथ काफी वक्त नहीं गुजार सकते थे ना, टीचर तो नहीं गुजार सकता है। राम को कॉलेज की जिंदगी में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उम्र का लड़का था। उसका सामना संजना और उसकी मोहब्बत की दिलचस्प लड़की से होती है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते थे। कॉलेज का एक और तालेबान इलम ये जानने के लिए कि लक्ष्मी कौन है, राम की कॉलेज की कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि लकी हकीकत में लक्ष्मण है। कॉलेज का झंडा हासिल करने की दौड़ के दौरान लक्ष्मण को राम ने यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाया। वो दोनों और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उसकी माँ ममता के साथ चला जाता है। एक सीन के बाहर, एक सिनेमा के बाहर राम अपने हमजमात परसी को खान के कातिलाना हमले से बचाता है, राम से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपने असली शनाख्त रूमनुमा को मिलती है जो एक उस्ताद के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंचता है। राम अपना कयान के दौरान मंदरा और लक्ष्मी की मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से मोहब्बत हो जाती है, जबकि लक्ष्मण संजना से मोहब्बत करता है। चांदनी की तरफ से उसे तब्दीली लाने के बाद प्रपोज करने के लिए वो रजामंद करते हैं, आंखों बा करने का हुक्म देता है, लेकिन उसे राम ने बचाया। संजना से मुलाकात के बाद राम रोहन से दरख्वास्त करता है कि वो इस जोड़े को इसके वालिद के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने वालिद के साथ सुलह कर लेती है। उस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असल शनाख्त मालूम होती है। लक्ष्मण और उसकी माँ को राम की हकीकत का जब पता चलता है, शनाख्त होती है, और जब वो उसका सामना करता है तो राम ने इन्हें बताया कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे अपने खानदान के साथ सुलह करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो अभी तक उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम अपने घर और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद रघुवन
रमन ने यूनिवर्सिटी को प्रमोट बना दिया था तमाम तुलबा और उस्ताद को जानने के बाद कैप्टन खान और मेजर राम को की वापसी के साथ साथ प्रोजेक्ट में लाभ की मनुस्ती का मुतालबा किया जाता है। इतलाया मिलती ही है रफा फौरन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है पर अगवा की सूरत हासिल में मुकम्मल तौर पर दाखिला होने से पहले उसकी सामना मधोर से हो जाता है और माफी मांगता है कि जानते हुए कि वो क्या करने वाला है और उसे बेटे के तौर पर कबूल कर दिया। खान के साथ राम अमारत में दाखिल होता है और बाद में खान ने उसे गोली मार दी। राम बच जाता है। अपने वफादारी के बारे में खान का जहन बदलता है और गार्डन को मारने के बाद आगे बढ़ता है। इस तरह दारालम को आजाद कर लेता है। जी गाइस, अब आपको ये मूवी की बारे में तो पता चल गया। आप विलेन का रोल देखते हैं। रावण ने खान को इस तरह धोखा दिया, दही के लिए खाली जगह पर गोली मार दी। राम और रघुवन के दरमियान लड़ाई होती है और राम रघुवन को बाद के हैंड क्राफ्ट से हाजिर पन हटा कर मार देता है। लक्ष्मण राम को एक हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले धमाके से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों की तरह गले मिल लग जाते हैं। मिला प्रोजेक्ट कामयाब रहा और तमाम कैदियों का फतेहार तबादला हुआ। राम और लक्ष्मण जाते हैं और अपने बाप की राख को एक साथ डुबोते हैं, जैसे कि मधु रोते हुए देखती है। आखिर में लक्ष्मण को राम के साथ ग्रेजुएट होने की इजाजत दी जाती है और पूरी यूनिवर्सिटी खुशी मनाती है। शाहरुख खान बतौर, अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। शाहरुख खान बतौर मेजर राम का रोल अदा करते हैं और शर्मा शेखी का बेटा और मधु का सुतेला बेटा, लकी का सुतेला भाई और चांदनी की मोहब्बत है। सुनील शेट्टी बतौर सबका मैनेजर राव दत्त का रोल पेश करती है, जो रोल अदा करते हैं जो फौजी ऑफिसर है। दहशतगर्द बन जाता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप को होने से रोकना चाहता है। और शिल्पा शेट्टी बतौर चांदनी चोपड़ा राम की संजना और लक्ष्मी की केमिस्ट्री टीचर और राम की मोहब्बत का किरदार अदा करती है और दिलचस्पी अदा करती है। अमृता राय बतौर संजना, संजू बख्शी जनरल अमृता जट की बेटी और लक्ष्मण की दिलचस्पी यानी उसकी मोहब्बत है। जैद खान बतौर लक्ष्मण, लकी शर्मा का रोल अदा करते हैं। राम के जो सुतेले भाई हैं और संजना का प्यार है, वो भी आरानी बतौर गोंगन गोहीर अग्रवाल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जाने जाते हैं। और शर्मा राम की सुतेली माँ और लकी की माँ कहलाती है का रोल अदा करती है। मिस्टर सोनाली कटन मिर्लिशा बतौर कैप्टन खान रघुवन के सेकेंडरी कमांडर हैं और कानाल कुमार बतौर मन के किरदार अदा करते हैं। कबीर बतौर जनरल अमृता बख्शी संजना के वालिद और राम के आला ऑफिसर। नसीरुद्दीन बतौर शाह बतौर रोज ट्रिस्टन शखर परदास और शर्मा राम और लकी के वालिद हैं का रोल अदा करते हैं। शाह बतौर सुनीति शाह बतौर प्रोफेसर मधु का रोल अदा करती है। राखी साबरवाल बतौर मिनी का रोल अदा करते हैं और परवेज अग्रवाल बतौर वीर और का अदा करते हैं। ये थी कि इन लोगों की इम्पोर्टेंट का कास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डेवलपमेंट की तरफ, यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, इसने कितनी पॉपुलरेशन हासिल की और क्या क्या इसके किरदार हो जाते हैं। फिल्म की नस्बत बतौर फराह खान और शाहरुख खान ने 2001 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट की गई थी लेकिन इसी साल के आखिर में शाहरुख खान शक्ति दे
पावर 2002 के एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की फिल्म बंदी में तकलीफ का सामना करना पड़ा। बतौर एजाज उन्हें इलाज के लिए बरतानिया भेजा गया और बाद में फिल्म को रोक दिया गया, और इस फिल्म को बाद में 2003 में शाहरुख खान के बरतानिया से वापस आने के बाद बहाल किया, इसकी शूटिंग को बहाल किया गया था। फराह खान इसका नाम डी ओ ऑफ साइड्स रखना चाहती थी, जब इसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो टाइटल चाहती हैं वो 1983 की हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। इसने फिल्म के लिए मैं हूं ना का टाइटल सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस वक्त शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, ये सोचकर कि टाइटल नाम मुकम्मल था, लेकिन बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। फिल्म के टाइटल गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर उसका दिमाग का जो रुख था वो बदल गया था। अब बात कर लेते हैं इसके कास्टिंग के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब 2003 में फिल्म को दोबारा जिंदा किया गया था, लकी के करदार के लिए ऋतिक रोशन को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रही थी फराख और सुनील खान पर गौर किया जा रहा था। नामालूम वजूहात की बिना पर तीनों में से किसी ने भी फिल्म कबूल नहीं की। जैद खान को बाद में साइन किया गया था। अमीषा पटेल को संजू के करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन दारू के मसाल के बाद से उस करदार को हटा दिया गया था। जैसा कि इस वक्त नई आने वाली आशा टाकिया ने भी किया, जब उनसे भी रब्ता किया गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमृता राय को इस करदार के लिए साइन किया गया था। शाहरुख खान ने फराह खान से कहा कि वो कमल हसन से रजू करेंगे, तजवीज करते हुए कि हंस ने राम 2000 में अपने किरदार के लिए उन पर एहसान किया है। हसन ने स्क्रिप्ट को सुना लेकिन इस किरदार को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसमें उसे एक मालिक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इस किरदार को मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और इसको इंजॉय कीजिए, और आप इसको कहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं इसकी बॉलीवुड अर्निंग की तरफ। मैं हूं ना का जो ने बहुत हाई ग्रोसिंग की थी, वे वीरजारा को भी टक्कर दे गई थी। वीरजारा भी इस मूवी में पीछे रह गई थी। इन्हें 480 मिलियन का इंडिया से कलेक्शन किया था, 19 मिलियन का इन्होंने ओवरऑल मार्केटिंग की थी, और सबसे बेस्ट मूवी रही थी ये जो, और पॉपुलर मूवियों में दूसरे नंबर पे ये मूवी आती है। इसके जो गाने थे वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। इस मूवी में जो गाने थे वो 8 गाने डाले गए थे। पहला गाना है मैं हूँ ना, दूसरा गाना है तुमसे मिलकर देखा जो हाल दूसरे नंबर पे गाना आता है, और तीसरा गाना है तुम्हें जो मिला मैंने देखा, और चौथा गाना था गोरी गोरी, और पांचवा गाना था चले जैसे हवाएं, और छठा गाना था मैं हूं ना सैड वर्जन, और सातवा गाना था ये फिजाएं, और आठवां गाना था मैं हूं ना रीमिक्स गाना। ज़्यादातर गाने सोनू निगम और शहरिया गोशार और अल्ताफ सहबार हाशमी और ने गाए थे, और इसमें ये फिजाएं अलका याग्निक का था, केके और अलका याग्निक ने इसको सिंग किया था, और मैं हूँ ना रजीत बारोत ने गाया था, और इस जो गाने हैं इनकी लेंथ जो है 43.55 मिनट के, ये आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे। गानों की जो रिलीज हुई थी वो 27 फरवरी 2004 को ही हुई थी, और रिकॉर्डिंग यश राज स्टूडियो में हुई थी मुंबई में। तो टी सीरीज वालों के, अगर आपको ये गाने सुनने हैं तो आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इन
गानों को सुन सकते हैं। इन गानों को जो प्रोड्यूस किया था अनु मलिक ने, इस गानों को प्रोड्यूस किया था। तो बात कर लेते हैं इसके इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो वो 89.7 करोड़ की अर्निंग इसने बॉक्स ऑफिस से की थी। तो गाइज अगर आप लोग इस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट मूवी, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप इसको एरो इंटरनेशनल वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब कि इसको देख सकते हैं, और सेटेलाइट चैनल पे आप इसको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। मैं हूं ना, जो 2004 की हिंदी लैंग्वेज की मसाला फिल्म है, जिसकी हदायतकारी फराहान ने की हुई है और हदायतकारी की पहली फिल्म है, और गौरी खान ने इसे रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले प्रोड्यूस किया है। हाँ, फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सिंह, सुनील शेट्टी, अमृता राय और जैन जैन खान आपको देखने को मिलेंगे, जबकि खीर, बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह मरकजी अदाकारी करते हुए आपको इस मूवी में नजर आएंगे। मेजर राव शर्मा को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें वो एक कॉलेज के तलबा के तौर पर एक जर्नलिस्ट की बेटी को एक खतरनाक बदमाश फौजी से बचाने के लिए पेश करते हैं। ये फिल्म का थोड़ा सा आपको खुलासा दिया गया, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की तरक्की जो है, फिल्म की जो कामयाबी है वो 2001 के अनुमान में शुरू हुई थी। तहम प्रोड्यूसर के दौरान कई ताखैरी का सामना करना पड़ा था। मैं हूं ना, भारत तनाजे को गैर जज्बाती मुक्ता नजर से देखने के लिए काबिलेजर के लिए फिल्म बंदी सेंट पॉल स्कूल और आसपास की रियासत मगरबी बंगाल में हुई। ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन फिल्म है, उन्होंने ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी रेड चिली एंटरटेनमेंट के नीचे। इसको प्रोड्यूस किया गया था, इस फिल्म को इब्तदाई तौर पर 2003 में रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी ये मूवी, और लोगों ने इसको मुस्बत जायजे लिए थे, और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी तजारती कामयाबी फिल्म साबित हुई थी, जिसने जो 84 करोड़ की कामयाबी की थी। जी गाइस, ये बहुत बड़ा बजट है, 84 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस अर्निंग की थी। इस तरह ये 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी, भारतीय फिल्म बन गई थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी, ऑल कंट्रीज मूवी ने हिट का टैग हासिल किया था, जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा ने, वीर ज़ारा भी और शाहरुख खान की मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी, और उस मूवी को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया था, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा पॉपुलर मूवी बन गई थी। 25वीं फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसने को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें पहला फिल्म बेहतरीन हदायतकारी का फरहान को दिया गया था, दूसरा बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया था, और बेहतरीन माउन अदाकार रॉय, बेहतरीन जैद खान है उनको भी अवार्ड दिया गया था, शिल्पा शेट्टी को भी दिया गया था, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया गया था। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से ही इस मूवी को हैंडल किया था, और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। एक टुकड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, लिमिट का एक टुकड़ा पूरी फिल्म में बयान किया था। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो दोनों प्लॉट के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके कास्ट की बारे में बात कर लेते हैं। जी गाइस, अब हम कास्ट की तरफ चलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बतौर
मेजर राव। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है। अब बात कर लेते हैं दुराने आसर। जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की हिफाजत के लिए राम यानी कि शाहरुख खान को खुफिया भेजते हैं, उस मिशन पे भेजते हैं कि वो उनकी बेटी की निगरानी रखे, उनकी बेटी को जो दुराने जंगे सेंट्रल कॉलेज में पढ़ती हैं। राम शुरू से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बख्शी ने उसे बताया कि लक्ष्मण भी वहाँ पढ़ता है तो राजी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम का सौतेला भाई होता है। तो उसके कहने पे वो अपने भाई को मिलने की आस में और ये मिशन कबूल कर लेता है। जनरल राम को वहाँ एक काले रंग के तौर पर जाने के लिए राजी करता है, क्योंकि अगर वो उस्ताद के तौर पर जाता है तो वो संजना के साथ काफी वक्त नहीं गुजार सकते थे, ठीक है ना, टीचर तो नहीं गुजार सकते थे। राम को कॉलेज की जिंदगी में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उम्र का लड़का था। उसका सामना संजना और उसकी मोहब्बत की दिलचस्प लड़की से होती है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते थे। कॉलेज का एक और तालेलम ये जानने के लिए कि लक्ष्मी कौन है, राम की कॉलेज की कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि लकी हकीकत में लक्ष्मण है। कॉलेज का झंडा हासिल करने की दौड़ के दौरान लक्ष्मण को राम ने यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाया। वो दोनों और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उसकी माँ ममता के साथ चला जाता है। एक सीन के बाहर, एक सिनेमा के बाहर राम अपने हम जमात परसी को खान के कातिलाना हमले से बचाता है, राम से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी असली शनाख्त रूमनुमा को मिलती है जो एक उस्ताद के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंचता है। राम अपना कयान के दौरान मंदरा और लक्ष्मी की मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से मोहब्बत हो जाती है, जबकि लक्ष्मण संजना से मोहब्बत करता है। चांदनी की तरफ से उसे तब्दीली लाने के बाद प्रपोज करने के लिए वो रजामंद करते हैं, अगवा करने का हुक्म देता है, लेकिन उसे राम ने बचाया। संजना से मुलाकात के बाद राम रोहन से दरख्वास्त करता है कि वो इस जोड़े को इसके वालिद के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने वालिद के साथ सुलह कर लेती है। और उस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असल शनाख्त मालूम होती है। लक्ष्मण और उसकी माँ को राम की हकीकत का जब पता चलता है, शनाख्त होती है, और जब वो उसका सामना करता है तो राम ने इन्हें बताया कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि अपने कि उसे अपने खानदान के साथ सुलह करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो अभी तक उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम अपने घर और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद रघुवन ने यूनिवर्सिटी को प्रोवोस्ट बना दिया था। तमाम तलबा और स्टाफ को जानने के बाद कैप्टन खान और मेजर राम की वापसी के साथ साथ प्रोजेक्ट में लाभ की मनुष्य का मुतालबा किया जाता है। इतलाया मिलती ही है रफा फौरन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, पर अगवा की सूरत हासिल में मुकम्मल तौर पर दाखिला होने से पहले उसकी सामना मधुर से हो जाता है और माफी मांगता है कि जानते हुए कि वो क्या करने वाला है, और उसे बेटे के तौर पर कबूल कर दिया। खान के साथ राम अमारत में दाखिल होता है और बाद में खान ने उसे गोली मार दी। राम बच जाता है। अपने वफादारी के बारे में खान का जहन बदलता है और गार्डन को मारने के बाद आगे बढ़ता है, इस तरह तालेलम को आजाद कर लेता है। जी गाइस, अब आपको ये मूवी की बारे में तो पता चल गया। आप विलन का रोल देखते हैं, रावण ने खान को इस तरह धोखा दिया, दही के लिए खाली जगह पर गोली मार दी। राम और रघुवन के दरमियान लड़ाई होती है और राम रघुवन को बात के हैंड क्राफ्ट से हिफाजत
हटा कर मार देता है। लक्ष्मण राम को एक हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले धमाके से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों की तरह गले मिल लग जाते हैं। मिलाप प्रोजेक्ट कामयाब रहा और तमाम कैदियों का फतेहा तबादला हुआ। राम और लक्ष्मण जाते हैं और अपने बाप की राख को एक साथ डुबोते हैं, जैसे कि मधु रोते हुए देखती है। आखिर में लक्ष्मण को राम के साथ ग्रेजुएट होने की इजाजत दी जाती है और पूरी यूनिवर्सिटी खुशी मनाती है। शाहरुख खान बतौर, अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। शाहरुख खान बतौर मेजर राम का रोल अदा करते हैं और शर्मा शेखी का बेटा और मधु का सुतेला बेटा, लकी का सुतेला भाई और चांदनी की मोहब्बत है। सुनील शेट्टी बतौर साबका मैनेजर राव दत्त का रोल पेश करती है, जो रोल अदा करते हैं जो फौजी ऑफिसर है, दहशतगर्द बन जाता और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप को होने से रोकना चाहता है। और शिल्पा शेट्टी बतौर चांदनी चोपड़ा, राम की संजना और लक्ष्मी की केमिस्ट्री टीचर और राम की मोहब्बत का किरदार अदा करती है और दिलचस्पी अदा करती है। अमृता राय बतौर संजना, संजू बख्शी जनरल अमृता जट की बेटी और लक्ष्मण की दिलचस्पी यानी उसकी मोहब्बत है। जैद खान बतौर लक्ष्मण, लकी शर्मा का रोल अदा करते हैं। राम के जो सुतेले भाई हैं और संजना का प्यार है, वो भी आरानी बतौर गोंगन गोहीर अग्रवाल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जाने जाते हैं। और शर्मा राम की सुतेली माँ और लकी की माँ कहलाती है, का रोल अदा करती है। मिस्टर सोनाली कटन मिर्लिशा बतौर कैप्टन खान रघुवन के सेक्रेटरी कमांडर हैं और कानाल कुमार बतौर मन के किरदार अदा करते हैं। कबीर बतौर जनरल अमृता बख्शी संजना के वालिद और राम के आला ऑफिसर, नसीरुद्दीन बतौर शाह बतौर रोज ट्रिस्टन शखर परदास और शर्मा राम और लकी के वालिद हैं, का रोल अदा करते हैं। शाह बतौर सुनीति शाह बतौर प्रोफेसर मधु का रोल अदा करती है। राखी सभरवाल बतौर मिनी का रोल अदा करते हैं और परवेश सभरवाल बतौर वीर और का अदा करते हैं। ये थी कि इन लोगों की इम्पोर्टेंट का कास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डेवलपमेंट की तरफ, यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, इसने कितनी पॉपुलरेशन हासिल की और क्या क्या इसके किरदार हो जाते हैं। फिल्म की नस्बत बतौर फराह खान और शाहरुख खान ने 2001 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट की गई थी लेकिन इसी साल के आखिर में शाहरुख खान शक्ति दे पावर 2002 के एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की फिल्म बंदी में तकलीफ का सामना करना पड़ा। बतौर एजाज उन्हें इलाज के लिए बरतानिया भेजा गया और बाद में फिल्म को रोक दिया गया और इस फिल्म को बाद में 2003 में शाहरुख खान के बरतानिया से वापस आने के बाद बहाल किया, इसकी शूटिंग को बहाल किया गया था। फराह खान इसका नाम भी ऑफ साइड रखना चाहती थी, जब इसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो टाइटल चाहती हैं वो 1983 की हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। इसने फिल्म के लिए मैं हूं ना का टाइटल सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस वक्त शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, ये सोचकर कि टाइटल नाम मुकम्मल था, लेकिन बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। फिल्म के टाइटल गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर उसका दिमाग का जो रुख था वो बदल गया था। अब बात कर लेते हैं इसके कास्टिंग के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब 2003 में फिल्म को दोबारा जिंदा किया गया था लकी के किरदार के लिए,
हाँ ऋतिक रोशन को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रही थी फराह, और सुनील खान पर गौर किया जा रहा था, नामालूम वजूहात की बिना पर तीनों में से किसी ने भी फिल्म कबूल नहीं की। जैद खान को बाद में साइन किया गया था, अमीषा पटेल को संजू के किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन तारिके मिसाल के बाद से उस किरदार को हटा दिया गया था। जैसा कि इस वक्त नई आने वाली आशा टाकिया ने भी किया, जब उनसे भी रابطہ किया गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमृता राय को इस किरदार के लिए साइन किया गया था। शाहरुख खान ने फराहान से कहा कि वो कमल हसन से रजू करेंगे, तजवीज़ करते हुए कि हंस ने राम दो 2000 में अपने किरदार के लिए उन पर एहसान किया है। हसन ने स्क्रिप्ट को सुना लेकिन इस किरदार को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसमें उसे एक मालिक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इस किरदार को मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और इसको एंजॉय कीजिए, और आप इसको कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं इसकी बॉलीवुड अर्निंग की तरफ। मैं हूँ ना जो ने बहुत हाई ग्रोसिंग की थी, वे वीर ज़ारा को भी टक्कर दे गई थी। वीर ज़ारा भी इस मूवी में पीछे रह गई थी, ने 480 मिलियन का इंडिया से कलेक्शन किया था, 19 मिलियन का इन्होंने ओवरऑल मार्केटिंग की थी, और सबसे बेस्ट मूवी रही थी ये जो, और पॉपुलर मूवियों में दूसरे नंबर पे ये मूवी आती है। इसके जो गाने थे वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे, और उस मूवी में जो गाने थे वो 8 गाने डाले गए थे। पहला गाना है मैं हूँ ना, दूसरा गाना है तुमसे मिलकर देखा जो हाल, तुमसे मिलकर देखा जो हाल दूसरे नंबर पे गाना आता है, और तीसरा गाना है तुम्हें जो मिला मैंने देखा, और चौथा गाना था गोरी गोरी, और पांचवा गाना था चले जैसे हवाएं, और छठा गाना था मैं हूं ना सैड वर्जन, और सातवां गाना था ये फिजाएं, और आठवां गाना था मैं हूं ना रीमिक्स गाना। ज्यादातर गाने सोनू निगम और शहरिया गोशार और अल्ताफ सहबार हाशमी और ने गाए थे, और इसमें ये फिजाएं अलका याग्निक का था, केके और अलका याग्निक ने इसको सिंग किया था, और मैं हूं ना रजीत बारोत ने गाया था, और इस जो गाने हैं इनकी लेंथ जो है 43.55 मिनट के आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे। गानों की जो रिलीज हुई थी वो 27 फरवरी 2004 को ही हुई थी, और रिकॉर्डिंग यश राज स्टूडियो में हुई थी मुंबई में। तो टी सीरीज वालों के, अगर आपको ये गाने सुनने हैं तो आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इन गानों को सुन सकते हैं। इन गानों को जो प्रोड्यूस किया था अनु मलिक ने, इस गानों को प्रोड्यूस किया था। तो बात कर लेते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो वो 89.7 करोड़ की अर्निंग इसने बॉक्स ऑफिस से की थी। तो गाइज, अगर आप लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, दिस इज़ अ बेस्ट मूवी, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप इसको एरो इंटरनेशनल वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब कि इसको देख सकते हैं, और सेटेलाइट चैनल पे आप इसको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। मैं हूं ना जो 2004 की हिंदी लैंग्वेज की मसाला फिल्म है, जिसकी हदायतकारी फराह ने की हुई है, और हदायतकारी की पहली फिल्म है, और गौरी खान ने इसे रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सिंह, सुनील शेट्टी, अमृता राय और जैन जैन खान आपको देखने को मिलेंगे, जबकि खीर बोमन ईरानी और नसीरुद्दीन शाह मरकजी अदाकारी करते हुए आपको इस मूवी में नजर आएंगे।
मेजर राव शर्मा को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें वो एक कॉलेज के तुलबा के तौर पर एक जर्नलिस्ट की बेटी को एक खतरनाक बदमाश फौजी से बचाने के लिए पेश करते हैं। ये फिल्म का थोड़ा सा आपको खुलासा दिया गया, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की तरक्की जो है, फिल्म की जो कामयाबी है, वो 2001 के अनुमान में शुरू हुई थी। तहम प्रोड्यूसर के दौरान कई ताखैरी का सामना करना पड़ा था। मैं हूं ना भारत नाजे को गैर जज्बाती नुक्ता नजर से देखने के लिए काबिले ज़िक्र के लिए फिल्म बंदी सेंट पॉल स्कूल और आसपास की रियासत मगरबी बंगाल में हुई। ये फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट की पहली प्रोडक्शन फिल्म है। उन्होंने ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी रेड चिली एंटरटेनमेंट के नीचे। इसको प्रोड्यूस किया गया था इस फिल्म को इब्तदाई तौर पर 2003 में, रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी ये मूवी, और लोगों ने इसको मुस्बत जायजे लिए थे और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी तजारती कामयाबी फिल्म साबित हुई थी, जिसने जो 84 करोड़ की कामयाबी की थी। जी गाइस, ये बहुत बड़ा बजट है, 84 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस अर्निंग की थी। इस तरह ये 2004 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी, भारतीय फिल्म बन गई थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी, ऑल कंट्रीज मूवी ने हिट का टैग हासिल किया था, जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा ने, वीर ज़ारा भी और शाहरुख खान की मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी, और उस मूवी को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया था, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा पॉपुलर मूवी बन गई थी। 25वीं फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसने को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें पहला फिल्म बेहतरीन अदाकारी का फरहान को दिया गया था, दूसरा बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया था, और बेहतरीन माउन अदाकार रॉय, बेहतरीन जैद जो जैद खान है उनको भी अवार्ड दिया गया था, शिल्पा शेट्टी को भी दिया गया था, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया गया था। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से ही इस मूवी को हैंडल किया था और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। एक टुकड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, लिमिट का एक टुकड़ा पूरी फिल्म में बयान किया था। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो दोनों प्लॉट के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जी गाइस, अब हम कास्ट की तरफ चलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बतौर मेजर राव। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस मूवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया, अब बात कर लेते हैं दुराने आसर। जनरल बख्शी अपनी बेटी संजना की हिफाजत के लिए राम यानी कि शाहरुख खान को खुफिया भेजते हैं, उस मिशन पे भेजते हैं कि वो उनकी बेटी की निगरानी रखे, उनकी बेटी को जो दुराने जाके सेंट पॉल कॉलेज में पढ़ती हैं। राम शुरू से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बख्शी ने उसे बताया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है तो राजी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो राम का सौतेला भाई होता है, तो उसके कहने पे वो अपने भाई को मिलने की आस में ये मिशन कबूल कर लेता है। जनरल राम को वहाँ एक कार्यालय के तौर पर जाने के लिए राजी करता है, क्योंकि अगर वो उस्ताद के तौर पर जाता है तो वो संजना के साथ काफी वक्त नहीं गुजार सकते थे ना, टीचर तो नहीं गुजार सकता है। राम को कॉलेज की जिंदगी में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उम्र का लड़का था, उसका सामना संजना और उसकी मोहब्बत की दिलचस्प लड़की से होती है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते थे। कॉलेज का एक और ताले इलम ये जानने के लिए कि लक्ष्मी कौन है, राम की कॉलेज की कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि लकी हकीकत में लक्ष्मण है।
कॉलेज का झंडा हासिल करने की दौड़ के दौरान लक्ष्मण को राम ने यूनिवर्सिटी की छत से गिरने से बचाया। वो दोनों और संजना फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उसकी माँ ममता के साथ चला जाता है। एक सिनेमा के बाहर राम अपने हम जमात परसी को हान के कातिलाना हमले से बचाता है। राम से पकड़ लेता है लेकिन उसकी अपने असली शनाख्त रूनुमा को मिलती है जो एक उस्ताद के रूप में यूनिवर्सिटी पहुंचता है। राम अपना कयान के दौरान मंदरा और लक्ष्मी की मदद करके उन्हें करीब लाता है। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से मोहब्बत हो जाती है जबकि लक्ष्मण संजना से मोहब्बत करता है। चांदनी की तरफ से उसे तब्दीली लाने के बाद प्रपोज करने के लिए वो रजामंद करते हैं। आगुबा करने का हुक्म देता है लेकिन उसे राम ने बचाया। संजना से मुलाकात के बाद राम रोहन से दरख्वास्त करता है कि वो इस जोड़े को इसके वालिद के पास उसके हॉस्टल में छोड़ दे जहाँ संजना अपने वालिद के साथ सुलह कर लेती है। उस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असल शनाख्त मालूम होती है। लक्ष्मण और उसकी माँ को राम की हकीकत का जब पता चलता है शनाख्त होती है और जब वो उसका सामना करता है तो राम ने इन्हें बताया कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे अपने खानदान के साथ सुलह करने की दरख्वास्त की थी क्योंकि वो अभी तक उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम अपने घर और यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद रघुवन ने यूनिवर्सिटी को प्रमोट बना दिया था। तमाम तलबा और उस्ताद को जानने के बाद कैप्टन खान और मेजर राम की वापसी के साथ साथ प्रोजेक्ट में लाभ की मनुस्ती का मुतालबा किया जाता है। इतलाया मिलती ही है रफा फौरन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है पर अगवा की सूरत हासिल में मुकम्मल तौर पर दाखिला होने से पहले उसकी सामना मधुर से हो जाता है और माफी मांगता है कि जानते हुए कि वो क्या करने वाला है और उसे बेटे के तौर पर कबूल कर दिया। खान के साथ राम अमारत में दाखिल होता है और बाद में खान ने उसे गोली मार दी। राम बच जाता है। अपने वफादारी के बारे में खान का जहन बदलता है और गार्डन को मारने के बाद आगे बढ़ता है। इस तरह तालेलम को आजाद कर लेता है। जी गाइस, अब आपको ये मूवी की बारे में तो पता चल गया। आप विलन का रोल देखते हैं। रावण ने खान को इस तरह धोखा दिया, दही के लिए खाली जगह पर गोली मार दी। राम और रघुवन के दरमियान लड़ाई होती है और राम रघुवन को बात के हैंड क्राफ्ट से हिफाजत पन हटा कर मार देता है। लक्ष्मण राम को एक हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले धमाके से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों की तरह गले मिल लग जाते हैं। मिलाप प्रोजेक्ट कामयाब रहा और तमाम कैदियों का फतेहार तबादला हुआ। राम और लक्ष्मण जाते हैं और अपने बाप की राख को एक साथ डुबोते हैं जैसे कि मधु रोते हुए देखती है। आखिर में लक्ष्मण को राम के साथ ग्रेजुएट होने की इजाजत दे जाती है। पूरी यूनिवर्सिटी खुशी मनाती है। शाहरुख खान बतौर अब हम बात कर लेते हैं हम इस मूवी की कास्ट के बारे में। शाहरुख खान बतौर मेजर राम का रोल अदा करते हैं और शर्मा शेखी का बेटा और मधु का सुतेला बेटा, लकी का सुतेला भाई और चांदनी की मोहब्बत है। सुनील शेट्टी बतौर सबका मैनेजर राव दत्त का रोल पेश करती है जो रोल अदा करते हैं जो फौजी ऑफिसर है। दहशतगर्द बन जाता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप को होने से रोकना चाहता है। और शिल्पा शेट्टी बतौर चांदनी चोपड़ा राम की संजना और लक्ष्मी की केमिस्ट्री टीचर और राम की मोहब्बत का किरदार अदा करती है और दिलचस्पी अदा करती है। अमृता राय बतौर संजना संजू बख्शी जनरल अमृता जट की बेटी और लक्ष्मण की दिलचस्पी यानी उसकी मोहब्बत है। जैद खान बतौर लक्ष्मण लकी
शर्मा का रोल अदा करते हैं, राम के जो सौतेले भाई हैं, और संजना का प्यार है वो भी आरानी बतौर गोमगेन गोहीर अग्रवाल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जाने जाते हैं। और शर्मा राम की सौतेली माँ और लकी की माँ कहलाती है, का रोल अदा करती है। मिस्टर सोनाली कटन मुरली शाह बतौर कैप्टन खान रघुवन के सेकेंडरी कमांडर हैं, और कानाल कुमार बतौर मन के किरदार अदा करते हैं। कबीर बतौर जनरल, अमृता बख्शी संजना के वालिद और राम के आला ऑफिसर, नसीरुद्दीन बतौर शाह बतौर रोज ट्रिस्टन शखर परदास, और शर्मा राम और लकी के वालिद हैं, का रोल अदा करते हैं। शाह बतौर सुनीति शाह बतौर प्रोफेसर मधु का रोल अदा करती है। राखी सागरवाल बतौर मिनी का रोल अदा करते हैं, और परवेश अग्रवाल बतौर वीर और का अदा करते हैं। ये थी कि इन लोगों की इम्पोर्टेंट का कास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उन्होंने क्या क्या रोल अदा किए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डेवलपमेंट की तरफ, यानी इसकी तरक्की कैसे हुई, इसने कितनी पॉपुलरेशन हासिल की, और क्या क्या इसके किरदार हो जाते हैं। फिल्म की माँ नस्बत बतौर फराह खान और शाहरुख खान ने 2001 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट की गई थी, लेकिन इसी साल के आखिर में शाहरुख खान शक्ति दे पावर 2002 के एक्शन सीक्वल की शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की फिल्म बंदी में तकलीफ का सामना करना पड़ा। बतौर एजाज उन्हें इलाज के लिए बरतानिया भेजा गया, और बाद में फिल्म को रोक दिया गया, और इस फिल्म को बाद में 2003 में शाहरुख खान के बरतानिया से वापस आने के बाद बहाल किया, इसकी शूटिंग को बहाल किया गया था। फराह खान इसका नाम भी ऑफ साइड्स रखना चाहती थी, जब इसके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो टाइटल चाहती हैं वो 1983 की हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है। इसने फिल्म के लिए मैं हूं ना का टाइटल सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इस वक्त शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, ये सोचकर कि टाइटल नाम मुकम्मल था, लेकिन बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। फिल्म के टाइटल गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर उसका दिमाग का जो रुख था वो बदल गया था। अब बात कर लेते हैं इसके कास्टिंग के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब 2003 में फिल्म को दोबारा जिंदा किया गया था, लकी के किरदार के लिए ऋतिक रोशन को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रही थी फराह, और सुनील खान पर गौर किया जा रहा था। नामालूम वजूहात की बिना पर तीनों में से किसी ने भी फिल्म कबूल नहीं की। जैद खान को बाद में साइन किया गया था। अमीषा पटेल को संजू के किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन तारिक के मिसाल के बाद से उस किरदार को हटा दिया गया था। जैसे कि इस वक्त नई आने वाली आशा टाकिया ने भी किया, जब उनसे भी रابطہ किया गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमृता राय को इस किरदार के लिए साइन किया गया था। शाहरुख खान ने फराह खान से कहा कि वो कमल हसन से रजू करेंगे, तजवीज करते हुए कि हंस ने राम 2000 में अपने किरदार के लिए उन पर एहसान किया है। हसन ने स्क्रिप्ट को सुना, लेकिन इस किरदार को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसमें उसे एक मालिक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इस किरदार को मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और इसको इंजॉय कीजिए, और आप इसको कहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं इसकी बॉलीवुड अर्निंग की तरफ। मैं हूँ ना का जो
ने बहुत हाई ग्रोसिंग की थी, वे वीर ज़ारा को भी टक्कर दे गई थी। वीर ज़ारा भी इस मूवी में पीछे रह गई थी। इन्हें 480 मिलियन का इंडिया से कलेक्शन किया था, 19 मिलियन का इन्होंने ओवरऑल मार्केटिंग की थी। और सबसे बेस्ट मूवी रही थी ये जो, और पॉपुलर मूवियों में दूसरे नंबर पे ये मूवी आती है। इसके जो गाने थे वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। और इस मूवी में जो गाने थे वो 8 गाने डाले गए थे। पहला गाना है मैं हूँ ना, दूसरा गाना है तुमसे मिलकर देखा जो हाल, तुमसे मिलकर देखा जो हाल दूसरे नंबर पे गाना आता है, और तीसरा गाना है तुम्हें जो मिला मैंने देखा, और चौथा गाना था गोरी गोरी, और पांचवा गाना था चले जैसे हवाएं, और छठा गाना था मैं हूं ना सैड वर्जन, और सातवां गाना था ये फिजाएं, और आठवां गाना था मैं हूं ना रीमिक्स गाना। ज्यादातर गाने सोनू निगम और शहरिया गोशार और अल्ताफ सहबार हाशमी और ने गाए थे। और इसमें ये फिजाएं अलका याग्निक का था, केके और अलका याग्निक ने इसको सिंग किया था, और मैं हूँ ना रजीत बारोत ने गाया था। और इस जो गाने हैं इनकी लेंथ जो है 43.55 मिनट के आपको गाने सुनने को मिल जाएंगे। गानों की जो रिलीज हुई थी वो 27 फरवरी 2004 को ही हुई थी, और रिकॉर्डिंग यश राज स्टूडियो में हुई थी मुंबई में। तो टी सीरीज वालों के, अगर आपको ये गाने सुनने हैं तो आप टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इन गानों को सुन सकते हैं। इन गानों को जो प्रोड्यूस किया था अनु मलिक ने, इस गानों को प्रोड्यूस किया था। तो बात कर लेते हैं इसके, इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो वो 89.7 करोड़ की अर्निंग इसने बॉक्स ऑफिस से की थी। तो गाइज अगर आप लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट मूवी, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप इसको एरो इंटरनेशनल वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब कि इसको देख सकते हैं, और सेटेलाइट चैनल पे आप इसको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम बात